الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا صدق الله العلي العظيم. मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, आजीज साथियों, इस्लामी माओं और बहनों, अल्लाह के फजलो करम से अभी दो चार दिन पहले मस्जिदुल अक्सा बैतुल मकदिस के ताल्लुक से ये हमारे प्रोग्राम शुरू हुए हैं, जिनमें खास उस जगह की तारीखी हैसियत, उससे हमारी अकीदत, उससे हमारा ताल्लुक, इन तमाम बातों की वजाहत की जा रही है। गुज़िश्ता हफ्ते फिलस्तीन मुल्क की असल हकीकत बताई थी कि असल के एतबार से मुल्क शाम था, मुल्क शाम के चार हिस्से हुए और फिर उसके बाद में जो मुल्क फिलस्तीन है उसकी तारीख भी जिक्र की, उसके कुछ मशहूर शहर भी आए, उनका तारुफ आया हमारे सामने। फिर खास फिलस्तीन के अंदर जो शहर बैतुल मकदिस या अल कुदस या ईलिया के नाम से है उसकी वजाहत भी हो गई, और बैतुल मकदिस नामी जो शहर है इस शहर को अल्लाह ने इतना बड़ा मकाम क्यों दिया उसकी वजह बताई कि वहां पर एक बाबरकत और बाअजमत मस्जिद मस्जिदुल अक्सा है, उसकी वजह से अल्लाह ने यह मकाम अता फरमाया। यहां तक की बातें गुज़िश्ता हफ्ते हमारे सामने हो गई थी और मस्जिद अक्सा का भी पूरा तारुफ आ गया था कि मस्जिद अक्सा किसको कहते हैं। आज जो हमारी बातें शुरू होनी है, क्योंकि ये तवील और अहम मौजू है इसलिए सिलसिलेवार बातें हो रही है, आज दो बातों पे तवज्जो दिलानी है। सबसे पहली बात ये जिक्र करेंगे कि ये जो बैतुल मकदिस नामी शहर है, इस शहर के अंदर मस्जिद अक्सा है। ये बैतुल मकदिस नामी शहर कभी फतह हुआ है, कभी दुश्मनों के पास गया है, कब कब ये फतह हुआ, किस किस ने इसको वापस लिया, कब कब ये दुश्मनों के हाथ में गया, तो इस शहर की जो फतह के एतबार से जो तारीख है, यानी बैतुल मकदिस को किसने और कब कैसे कैसे फतह किया, वो इंशाल्लाह शुरू से लेकर के अखीर तक की आज आपके सामने पहले अर्ज की जाएगी। उसके बाद दूसरे नंबर पर इस वक्त में चूंकि बैतुल मकदिस के ऊपर जो हमला है और मुकाबला है वहां का, वो इसराइल से है और वहां वाले सारे हैं मजहब के एतबार से यहूदी, तो यहूदियों का तारुफ भी कराऊंगा कि आखिर ये यहूदी कौम होती क्या है और इनका और हमारा शुरू से लेकर के अब तक का कैसा सफर रहा है। हुजूर अली सलातु वस्सलाम के जमाने से लेकर अब तक हम और यहूद आपस में किस तरह की मुआशरत मुसलमानों की रही है इनके साथ में, क्योंकि फिलस्तीन का मसला समझने के लिए कि यहूद उन पर हमला क्यों कर रहे हैं तो यहूद की तारीख का पता होना जरूरी है।
तो आज दो बातें हैं, इनको पहले ज़हन नशीन फरमा लें। पहली बात है मस्जिद अक्सा की फतह की तारीख, बैतुल मक़दिस की फतह कब कब कैसे कैसे हुई, और दूसरी चीज है जो आज जिक्र करने जा रहा हूं यहूदियत की तारीख कि यहूदियत और इस्लाम का मुकाबला शुरू से अब तक कैसा रहा है। चुनाचे जो सबसे पहली चीज है कि बैतुल मक़दिस की फतह, देखें ये आप हजरात ने गुज़िश्ता हफ्ते सुना था कि इसकी बुनियादें डालने वाले हजरत इब्राहिम के पोते बनते हैं, यानी हजरत याकूब अलैहिस्सलाम। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम जो बेटे हैं हजरत इसहाक के, और हजरत इसहाक बेटे हैं हजरत इब्राहिम के, तो हजरत इब्राहिम के पोते बनते हैं हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, उन्होंने बुनियाद डाली है। ये बुनियाद डालने के बाद ये मस्जिद भी बन गई और निजाम भी शुरू हो गया, और सालों साल लोग रहते रहे और अल्लाह के फजलो करम से निजाम चलता रहा, अंबियाए किराम भी तशरीफ लाते रहे वहां पे, सब सिलसिले रहे। उसके बाद ये दौर आगे बढ़ते बढ़ते आता है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जमाना, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का दौर। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जब जमाना आया तो हजरत मूसा की जो कौम थी उसका नाम सबने सुना है, और हमारे दरसे कुरान में भी एक साल से तकरीबन चल रहा है कि जो कौम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ जुड़ी थी उस कौम का नाम क्या था, बनी इसराइल। तो बनी इसराइल वो कौम थी जो हजरत मूसा के साथ जुड़ी थी। बनी इसराइल जगह जगह इब्तिला आजमाइश में रहे, मुख्तलिफ हालात से गुजरे, इनकी हरकतें भी बड़ी तफसीली हैं जो आप सुन चुके हैं सब दरसे कुरान में। बहरहाल एक मरकजी मकाम पर आ जाइए, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को लेकर के रवाना हुए थे जब फिरौन ने उनका पीछा किया था। मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को लेकर के निकले और फिरौन ने पीछा किया। अल्लाह का करना कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दरिया को पार कर गए, रास्ते बन गए, और फिरौन वहां डूब गया था। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उसको पार करके निकल गए और आगे पहुंच गए, तो अब आगे जाने के बाद का जो सिलसिला है, अब कहां जाएं, कौन सी जगह जाकर के कियाम करें, जो जगह थी अपनी वो तो छोड़ दी है, लेकिन अब किस नई जगह पे जाकर के रहना सहना शुरू करें। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी कौम को लेकर के आए और आने के बाद कहा कि देखो ये बस्ती है सामने, इस बस्ती में दाखिल होना। और क्या जुमला कहा था कुरान ने, उसको नकल किया है, या कौमिद खुलुल अर्गल मुकद्दसा, ए मेरी कौम इस बाबरकत जमीन में दाखिल हो जाओ, इस बाबरकत जमीन में दाखिल हो जाओ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को यह पैगाम दे दिया, उनसे कह दिया सब दाखिल हो जाओ इस जमीन में। और ये कौन सी जमीन थी जिस जगह दाखिल होने का कहा जा रहा है, ये कौन सा शहर था, ये था बैतुल मक़दिस शहर, यही है मुल्के फिलस्तीन, इसी में दाखिल होने के लिए कि इस बाबरकत शहर में दाखिल हो जाओ। उस वक्त बैतुल मक़दिस जो शहर था उस शहर में कौम रहती थी जिस कौम का नाम था कौम अमालिका, कौम अमालिका, आइन मीम अलिफ, अमा लाम कौफ हा, अमालिका, ये कौम वहां पर रहती थी उस शहर में। अब सिचुएशन ऐसी थी हजरत मूसा की कौम को आकर के यहां रहना इस शहर में, और वहां से पहले से कौम अमालिका रह रही है, तो उनसे आजाद कराना था इसे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम लोग अब इनसे मुकाबला करो, जंग लड़नी पड़ेगी, और जब तुम इनसे मुकाबला करोगे तो अल्लाह तुम्हें कामयाबी अता फरमा देगा, और फिर तुम यहां रहना सहना शुरू कर देना।
अपनी कौम से कहा। जाहिर सी बात है ये वो कौम थी जो पीछे सैकड़ों अल्लाह के करिश्मे देख करके आई थी, अल्लाह की कुदरत का आंखों से मुशाहिदा इस कौम ने किया था कि अल्लाह ने कैसी कैसी नेमतों से इन्हें नवाजा था। और यहां हजरत मूसा कह रहे थे कि इनसे मुकाबला करो, अल्लाह तुम्हें फतह दे देगा और फतह पाने के बाद में तुम यहां पर रहना सहना शुरू कर देना। यही था बैतुल मकदिस, इस शहर में दाखिल होने के लिए। आप एक बात पे और गौर करें, अल्लाह यहां पर क्या कह रहा है उस जमीन और उस शहर के बारे में कि मूसा ने कहा कि इस बाबरकत जमीन में दाखिल हो जाओ। कुरान आज भी उसको अर्ज मुकद्दस कहता है, फिलिस्तीन और खास तौर से बैतुल मकदिस शहर की जमीन को, वो अर्ज मुकद्दस है। अब जाहिर सी बात है वो तो फिर वही थे ना, बने बनाए बनी इसराइल, वो कहां मान जाते। उनका जवाब सुने, हजरत मूसा ने जब ये कहा कि इनसे मुकाबला करो, अल्लाह तुम्हें फतह देगा, फिर तुम यहां रहना, उन्होंने कहा इज़हब अंता व रब्बुका फ़क़ातिला इन्ना हाहुना क़ाइदून। मूसा आप चले जाइए और अपने अल्लाह को ले जाइए, आप दोनों लड़ लीजिए जाकर के, आप जाएं और अपने रब को ले जाएं, आप दोनों लड़े, इन्ना हाहुना क़ाइदून, हम यहीं बैठे हैं दर्शक बने हुए, वहीं बैठ गए सारे बाउंड्री पे बैतुल मकदिस की, करेंगे कुछ नहीं, आप जाकर के लड़ लीजिए, फतह पा लीजिए, हम आ जाएंगे फिर बाद में। अब जाहिर सी बात है एक नबी पेशकश कर रहा है, सामने अर्ज़े मुकद्दसा है, सब कुछ है, फिर भी जाने को तैयार नहीं। अब अल्लाह की तरफ से तो पकड़ आनी थी इनकी, अल्लाह ने क्या फरमाया, इन्नहा मुहर्रमतुन अलैहिम अरबईन सना। अल्लाह ने फरमाया कि मूसा ये आपके साथ जाने के लिए तैयार नहीं हुए इस जमीन में, ठीक अब ये यहीं पर ही शहर से बाहर भटकते रहेंगे, इनको कोई ठिकाना नहीं मिलेगा, भटकते रहो इधर उधर। और कितना भटके, अरबईन सना, लगातार 40 साल तक भटकते रहे। अल्लाह ने फरमाया यहीं घूमते रहो सारे, अब ना निकल सकते ना जा सकते कहीं, सजा दे दी अल्लाह ने। जैसे हमारे यहां कहा जाता है ना भूल भुलैया, आदमी घूम फिर करके फिर वहीं खड़ा है, ऐसे ही इनका हाल हो गया था, इधर उधर टकरे मारते कहीं भी नहीं जाते, फिर वहीं आ जाते, ना आगे जा पा रहे ना निकल पा रहे। यती हो न फिल अर्ज, अल्लाह ने कुरान में कहा कि ये यहीं भटकते रहेंगे 40 साल तक, इसीलिए इस जगह का नाम पड़ गया वादिये तीह। तीह के माना भटकने के आते हैं, वहां पे बनी इसराइल बैतुल मकदिस शहर से बाहर 40 साल भटकते रहे, सब वहीं घूम रहे। अल्लाह का करना इन्हीं 40 सालों में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो गया, वो दुनिया से रुखसत हो गए। इसलिए बताया था मैंने तारुफ में कि फिलिस्तीन में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का इंतकाल हुआ, वही इंतकाल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फरमा गए। हजरत मूसा के भाई हजरत हारून भी साथ थे, वो भी वही इंतकाल फरमा गए इसी 40 साल के अरसे में, और ये वही घूम रहे। अल्लाह ने इन दोनों के दुनिया से जाने के बाद फिर एक अगले नबी इनके दरमियान भेजे, उन नबी का नाम है हजरत यूशा, बड़ा प्यारा नाम है यूशा, या वाव शीन आईन यूशा। तो हजरत यूशा को अल्लाह ने इनमें नबी बना करके भेजा, हजरत मूसा और हारून के बाद में हजरत यूशा आ गए नबी बनकर। जब हजरत यूशा अलैहिस्सलाम नबी बनकर के इनके दरमियान तशरीफ ले आए और हजरत यूशा वहां पर आ गए और इनके 40 साल की मुद्दत पूरी हो गई, अब अकल आई, अब समझ में आया कि यार चलो चल नहीं चाहिए, चुनाके हजरत यूशा के साथ में इन्होंने फिर अब चलने का इरादा किया कि चलो अब बैतुल मकदिस को फतह करते, अब चले हैं हजरत यूशा के साथ।
बैतुल मकदिस की जानिब। जब ये हजरत यूशा के साथ बैतुल मकदिस की जानिब चले और हजरत यूशा बैतुल मकदिस फतह करने जा रहे थे, उन्होंने ऐलान फरमा दिया कि भाई मेरे साथ चलने की तीन शर्तें, ये शर्तें याद रखना। ये बैतुल मकदिस की सबसे पहली फतह होने जा रही है तारीख में। हमारे यहां उमूमन इस फतह का जिक्र नहीं किया जाता। कौमे अमालिका वहां पे बैतुल मकदिस पे कब्जा किए हुए, उससे फतह हासिल करने के लिए अल्लाह ने बनी इसराइल को कहा, पहले तो हजरत मूसा के साथ जाना था लेकिन ये नहीं गए, 40 साल की सजा मिली। जब 40 साल पूरे हुए हजरत मूसा के इंतकाल के बाद, फिर अब ये चले किसके साथ, हजरत यूशा के साथ। अब चले, हजरत यूशा ने कहा तीन शर्तें तब जाओगे। नंबर एक, फरमाया कि कोई आदमी ऐसा ना हो मेरे साथ जिसने किसी औरत से निकाह किया हो और अभी औरत से मुलाकात न की हो। निकाह तो हो गया लेकिन अभी मुलाकात नहीं हुई शौहर बीवी की। फरमाया ऐसा कोई आदमी मेरे साथ ना जाए। निकाह हो गया, शौहर बीवी की मुलाकात नहीं, पहली शर्त। दूसरी शर्त क्या लगाई? दूसरी शर्त ये लगाई, फरमाया कि दूसरा आदमी वो ना जाए जो घर बना रहा हो और जिसकी दीवारें तो तैयार हो चुकी हो लेकिन लिंटर रहना बाकी हो, वो आदमी भी ना जाए। अब आप लोग सोच रहे होंगे यार अजीब कंडीशन शर्तें लग रही है, अभी वजह समझाऊंगा। पहले शर्तें याद रखें, मतलब दीवारें उड़ गई, अब क्या है, बिल्कुल लिंटर की तैयारी है। फरमाया जो लिंटर डालने वाला है ना, जिसका डूला वूले का सामान आ रहा है, वो आदमी वहां डूला बन के ना जाए, वो यही डूला बांधता रहे, ऐसे आदमी को भी जाने की इजाजत नहीं। तीसरे नंबर पे फरमाया तीसरा वो शख्स ना जाए जिसने कोई बकरी खरीदी है, किस नियत के साथ में कि ये बच्चे देगी। बाद मरतबा आदमी आमिला बकरी खरीदता है कि यार बकरी 5000 की है, बच्चा हो जाएगा, रेट 10 हो जाएंगे इसके, 5 इसके, 2-4 बच्चे के। फरमाया कि जिसने जानवर खरीदा और उसके बच्चे की उम्मीद लगा के बैठा है, ऐसा आदमी भी मेरे लश्कर में नहीं जाएगा। इन तीन से हटके जाए जितने जाने। तीनों शर्तें याद हो गई ना, जो हजरात ऑनलाइन देख रहे हैं वो भी याद कर लें, कभी पता लगे कि वो मस्त बैठे हों उसको भी जहन में बिठा दें। अब ये तीन शर्तें, पहली शर्त जिसने शादी की हो लेकिन मुलाकात नहीं हुई बीवी से, दूसरी शर्त जिसने दीवारें खड़ी कर दी हो लेकिन लिंटर ना डाला हो, और तीसरी शर्त जिस आदमी ने जानवर खरीदा हो किस उम्मीद पे के इसके बच्चा होगा और अभी बच्चा ना हुआ हो, ये लोग ना जाए। ये क्यों लगाई शर्तें? इसकी बड़ी हिकमत है, लेकिन मैं एक बुनियादी आवाम के समझने की आसानी के लिए बताता हूं। इसलिए लगाई कि जिस आदमी का निकाह हो गया, बीवी से मुलाकात नहीं हुई, उसकी सारी तवज्जो बीवी में ही लगी रहेगी, उसका ध्यान जंग वंग में नहीं होगा। वहां आगे कोई वो वलीमे में थोड़ी जा रहा था भाई, वहां जंग लड़ने जाना है, वहां हाथों में तलवार उठानी है, दुश्मनों से मुकाबला करना है, और जिसका निकाह हुआ हुआ है तो उसके पास तो लाइसेंस आ चुका है, बस बीवी से मुलाकात बाकी, अब उसका दिमाग उसी में चलेगा। फरमाए भाई तू अपना दिमाग उधर ही चला, यहां आकर के हमारा दिमाग मत हिला, ताकि तवज्जो फुल रहे। कुछ लोग होते हैं ना जमात में चले जाते, चले गए जमात में, अब जाने के बाद में निकाह हुआ हुआ है, सब कुछ हुआ हुआ है, हर दिन अमीर साहब से, अमीर साहब आज शाम में चलेंगे वापस, आज शाम में वापस चलेंगे, आज शाम में वापस। फरमाए भाई ऐसा टेंशन करने वाला आदमी नहीं चाहिए, आराम से घर रहो। दर दीवारें उड़ गई, लिंटर बाकी है, उस आदमी का भी दिमाग अब लिंटर में अटका हुआ है, क्योंकि सारी जो टेंशन होती है ना, जितनी जब आप मकान बनाएंगे अंदाजा होगा, दीवारें उठने से जब शुरू होती है ना, तभी से लिंटर में दिमाग अटक जाता है कि यार लिंटर डलना है,
जिस दिन लिंटर डाला उस दिन लगता है घर बन गया, बस खत्म, अब नहीं कुछ बाकी। फरमाए जिसका दिमाग लिंटर में अटका हुआ वो बेचारा यही सोचता रहेगा कब लिंटर कब किया, इसलिए वो बैतुल मकदिस को क्या पता करेगा, तो भी भाई घर रहे अपना। तीसरा आदमी जो बच्चे का इंतजार कर रहा है कि आज हो अब वो सुबह हो कल हो शाम हो, अब वो चला जाएगा वहीं से कॉल करता रहेगा हो गए क्या हो गए क्या। फरमाए तू कॉल ना कर ही नहीं रह ले। अब कोई ये सवाल ना करे कि भाई उस जमाने में कौन कॉल कर लेता जब तो फोन नहीं थे, उस जमाने के एतबार से खतो किताबत के जरिए आदमी उलझा रहता। बहरहाल कहने का मकसद क्या था, हजरत यूशा ये कहना चाहते थे कि जिस आदमी की पूरी तवज्जो ना हो ऐसा आदमी बैतुल मकदिस फतह करने ना जाए। बैतुल मकदिस फतह करने वो ही जाएगा जिसके दिमाग में सिर्फ बैतुल मकदिस हो और कुछ ना हो। और यही आज के लिए भी है, यही हिदायत अब भी है। इतने बड़े कारनामे डबल तवज्जो के साथ में नहीं होते, इतनी बड़ी चीजों को अंजाम देने के लिए तवज्जो एक जानिब करनी पड़ती। तो हजरत योशा ने ये तीन शर्तें लगा ली, जो भी इस शर्त के मुताबिक था लश्कर तैयार हो गया और रवाना हो गए बैतुल मकदिस फतह करना है। जिस वक्त ये लश्कर बैतुल मकदिस पर पहुंचता है उस वक्त वक्त हो गया असर का, सूरज हो गया डूबने के करीब और लश्कर अब पहुंच रहा है। जाहिर सी बात है नाइट में अटैक तो हो नहीं सकता, वहां तो भाई हाथों से मुकाबले होने थे, वहां बटन दबा के या स्पीकर दबा के नहीं था मुकाबला, वहां तो रूबरू मुकाबले करने थे। तो अब सूरज डूब रहा है, सूरज के डूबने की नौबत आ गई। अब वहां पर हजरत यूशा परेशान है कि या अल्लाह मैं पूरी फौज लेकर के आ गया और कल तक का वेट भारी पड़ जाएगा, अगर ये सूरज अभी ना डूबता तो लगे हाथों अभी केस खत्म कर देते सारा, अभी हो जाता मामला। अब उस मौके के ऊपर बुखारी शरीफ के अंदर ये रिवायत मौजूद है कि ताबू फर्ज़िल खुमुसी, बुखारी शरीफ के अंदर है और हदीस नंबर है 3124। हजरत इमाम बुखारी रहीमहुल्लाह वहां पर नकल फरमा रहे हैं, उस वक्त इन्होंने एक दुआ की। पहले तो सूरज को मुखातब बनाया और क्या कहा, इन्नकी मामूरतुन, ए सूरज सुन तू अपनी मर्जी से नहीं डूब सकता, तू अल्लाह के हुक्म से डूबता, वअना मामूरुन और मैं भी अपनी मर्जी से नहीं चलता, मैं भी अल्लाह के हुक्म से चलता हूं, मुझे अल्लाह ने फतह का हुक्म दिया और फतह तेरे बगैर हो नहीं सकती, तुझे रुकना पड़ेगा। आगे क्या जुमला कहा, अल्लाहुम्मा हबिसहा अलैना, ए अल्लाह इस सूरज को रोक दे। असर के बाद का वक्त था, सूरज डूबने जा रहा था, हजरत यूशा और उनकी फौज पूरी वहां पर रुकी हुई थी। हजरत यूशा को खतरा हुआ कि अगर कहीं आज ये फतह न हुई तो कल कुछ भी हो सकता है, उस वक्त उन्होंने उसको हुक्म दिया और अल्लाह से दुआ की, अल्लाहुम्मा हबिसहा अलैना, ए अल्लाह सूरज को रोक दे। हुजूर अली सलाम इरशाद फरमाते, इमाम बुखारी रिवायत नकल कर रहे हैं, फहुबिसत, अल्लाह ने सूरज को वहीं रोक दिया और कहा अटैक कीजिए आप। मैं लोगों से कहा करता हूं बैतुल मकदिस की फतह इतनी अजीम उशान है, इतनी अजीम उशान चीज है कि अल्लाह बैतुल मकदिस को फतह करने वाले लश्कर के लिए अपनी कायनात का निजाम तक रोक सकता है। अल्लाह ने सूरज को भी रोक करके दिखा दिया था कि बैतुल मकदिस का फतह होना ज्यादा जरूरी है, सूरज का वक्त पे डूबना इतना जरूरी नहीं। सूरज की ताखीर गवारा है लेकिन बैतुल मकदिस की फतह में ताखीर नहीं होगी, अगले दिन का इंतजार नहीं किया जाएगा। इमाम बुखारी ने ये रिवायत नकल फरमाई है और कहा कि अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं फहुबिसत, अल्लाह ने सूरज को वहीं रोक दिया, हत्ता फतह अल्लाहु अलैहि, अल्लाह ने फतह भी उसी दिन अता फरमाई, पहले वो फतह हुआ उसके बाद अल्लाह ने सूरज को डुबोया। जब तक बैतुल मकदिस फतह नहीं हुआ सूरज नहीं डूबा, ये अल्लाह ने वहां पर हजरत यूशा के साथ मुआमला फरमाया।
तो सबसे पहले फातिह बैतुल मकदिस के, अब नाम याद रखना इनका, क्या नाम बताया, हजरते यूशा। इनके वालिद का नाम है नून, याद रखना आसान है, यूशा बिन नून, यूशा बिन नून। तो ये हजरते यूशा हैं, अल्लाह के नबी हैं, इनके हाथ पर अल्लाह ने सबसे पहले बैतुल मकदिस को फतह फरमाया। और बैतुल मकदिस की जो सबसे पहली फतह हुई है, उसी में ये अल्लाह ने पैगाम दे दिया कि दुनिया के निजाम रुक सकते हैं लेकिन बैतुल मकदिस की फतह नहीं रुकनी, इंशाअल्लाह। ये मामला वहां पर वजूद में आया। उसके बाद आगे चलें, फतह हो गया हजरत यूशा के जरिए, फिर अल्लाह के फजलो करम से रहा ये सबके पास, महले इस्लाम के पास में। फिर दौर गुजरते रहे, गुजरते रहे, अय्याम आते रहे, बढ़ते बढ़ते फिर वो वक्त आया कि फिर ये मुसलमानों के हाथ से निकल गए, फिर दूसरों ने इस पे कब्जा कर लिया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो दौर आया, जिस जमाने में हमारे नबी थे, उस जमाने में बैतुल मकदिस दूसरों के हाथ में कब्जा किया हुआ है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक हदीस मुबारका के अंदर बाकायदा फरमाया, आपकी हदीस मुबारका है, अल्लाह के नबी ने अपनी जिंदगी के अंदर फरमाया, कहने लगे कि कियामत की कुछ खास अलामतें हैं, उनमें हुजूर ने सबसे पहली अलामत बयान फरमाई कि खुद मेरी मौत का होना। अल्लाह के नबी ने अपनी मौत को कियामत की अलामत करार दिया। उसके बाद फरमाया तुम फतहु बैतुल मकदिस, उसके बाद बैतुल मकदिस की फतह। फरमाया मेरी मौत के बाद बैतुल मकदिस की फतह होगी। अल्लाह के नबी दुनिया से चले गए, सिद्दीक अकबर का जमाना आया, बड़ा छोटा सा दौर था, दो ढाई साल का, इतनी फुर्सत नहीं मिली कि वहां तक फौजें जाती। उसके बाद जमाना आता है किसका, हजरत उमर इब्न अल खत्ताब रजी अल्लाह तआला, हजरत उमर का। हजरत उमर इब्न अल खत्ताब रजी अल्लाह तआला का जो जमाना आया और जो दौर आया, हजरत उमर इब्न अल खत्ताब ने चारों तरफ अपने लश्कर रवाना कर दिए इस्लाम का झंडा गाड़ने के लिए कि सब जगह इस्लाम लेकर के जाओ। चुनाचे हर जगह से फतह के कारनामे शुरू हुए। एक फौज हजरत उमर रजी अल्लाह तआला ने मुल्क शाम रवाना की कि मुल्क शाम जाओ, वहां की फतह का काम शुरू करो। फतह हो रहे इलाके, कौन कौन से इलाके फतह हो गए, आपने गुज़िश्ता हफ्ते सुना था गज़ा फतह हो गया, लुद फतह हो गया, इसी तरह एक और शहर है जिसका जिक्र नहीं आया था, याफा, याफा वो भी फतह हो गया। उसके बाद एक शहर है नाबलुस, वो भी फतह हो गया। ये तमाम शहर फिलिस्तीन के फतह हो गए। हर शहर फतह हो जाता, उसके बाद जो लश्कर के जिम्मेदार थे वो खत लिखते हैं, हजरत अब कहां, अब कहां, अब कहां अगला टारगेट, बस अगले मिलते जाते आगे। अब आता है खत हजरत के पास, अब कहां, जवाब दिया अब फिलिस्तीन में बैतुल मकदिस, रवाना हो जाओ उधर, अब फतेह बैतुल मकदिस होनी। हजरत उमर इब्न अल खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु का खत गया है कि अब अगला टारगेट तुम्हारा क्या है, बैतुल मकदिस फतह करो जाके। लश्कर के जो सालार हैं, जो जिम्मेदार हैं, जो फौज लेकर के कमांडर वहां चल रहे हैं, हजरत उमर तो यहां मदीना में बैठे हुए हैं, दारुल हुकूमत में बैठ के यहां से निजाम जारी फरमा रहे हैं, उधर जो लश्कर लेकर के जा रहे हैं, उन अजीम उशान सहाबी का नाम याद रखना, हजरत अबू उबैदा इब्नुल जर्राह रजी अल्लाह तआला, अबू उबैदा, ये वो सहाबी। आजकल अजीब मामला है, मैंने ये देखा कि बैतुल मकदिस की फतह करने वालों में हजरत उमर का नाम लेते हैं लोग, लेकिन अबू उबैदा को कोई नहीं याद करता। मेरे भाई आप गौर करें,
कि हजरत उमर का तो नाम लेना सही है, बिल्कुल लेना चाहिए, हजरत उमर की खिलाफत है, जमाना हजरत उमर का है, लेकिन आप उस शख्स को हरगिज फरामोश न करें जिसने वहां मैदान में फौजें उतारी हैं। हजरत अबू उबैदा इब्नुल जर्राह रज़ियल्लाहु ताला ये हैं वो साहबी जो फौजें लेकर के मैदान में गए हैं। लोग फातेह कहते हैं हजरत उमर को, बेशक है हजरत उमर रजी अल्लाह तआला, लेकिन नाम अबू उबैदा का भी याद रखना चाहिए, बड़ा एहसान है उनका। भाई जो पीएम होता है मुल्क का, फौज जो भी कारनामा अंजाम दे वो सेहरा पीएम के सर बंधेगा, बेशक बंधेगा, लेकिन जो फौज का जिम्मेदार और जनरल और कमांडर है उसको भी फरामोश नहीं करना चाहिए, उसकी भी बड़ी मेहनत है उसमें। तो हजरत उमर रजी अल्लाह तआला के दौर में आपके हुक्म पे नेक्स्ट टारगेट मिला हजरत अबू उबैदा का के जाकर के बैतुल मकदिस को फतह करो। अब हजरत अबू उबैदा रजी अल्लाह तआला लश्कर लेकर के रवाना हो गए। आपने नाम सुना था गुज़िश्ता हफ्ते, जो पहले एक ही मुल्क था, ये फिलिस्तीन के साथ ही था, अब अलग है उर्दुन। गुज़िश्ता हफ्ते नाम आया था इसका प्रोग्राम में उर्दुन। जब ये लश्कर बैतुल मकदिस जा रहा था तो रास्ते में दरमियान में ये उर्दुन नाम का शहर आता है, उर्दुन नामी शहर, यहां पे पहुंचा पूरा लश्कर। यहां पर पहुंचने के बाद हजरत अबू उबैदा इब्नुल जर्राह रजी अल्लाह तआला ने डायरेक्टली अटैक नहीं कर दिया, बल्कि क्या किया, इस्लामी तरीका था उसको इख्तियार किया। हजरत अबू उबैदा इब्नुल जर्राह रजी अल्लाह तआला ने बाकायदा एक खत लिखा, खत लिख दिया। और क्या खत लिखा है हजरत अबू उबैदा इब्नुल जर्राह ने, वो खत सुने जरा। हजरत अबू उबैदा इब्नुल जर्राह रजी अल्लाह तआला का खत था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कि ये खत हजरत उमर इब्नुल खत्ताब रजी अल्लाह तआला की जानिब से मुकर्रर किए हुए अमीर अबू उबैदा की तरफ से है, और मैं बैतुल मकदिस के अंदर रहने वाले सारे पादरियों को, वो तमाम के तमाम मजहबन ईसाई थे जो वहां पे रह रहे थे, फरमाया कि मैं तमाम पादरियों को हुक्म देता हूं कि वो सब के सब कलमा तैयबा पढ़ करके इस्लाम में दाखिल हो जाए, फिर हम किसी को कुछ नहीं करेंगे, मामले ही हले, फिर तो कोई टेंशन ही नहीं, का दावत इस्लाम देता हूं सबसे पहले। लेकिन अगर दावत इस्लाम कबूल नहीं और कलमे तैयबा तुम नहीं पढ़ सकते तो सेकंड ऑप्शन, फरमाया दूसरा हुक्म यह है फिर तुम्हारे लिए कि तुम जिजिया यानी टैक्स दो हमें और रहो, फिर हम नहीं तुम्हें कुछ करेंगे, यानी हम मालिक हैं जमीन के, गोया के तुम किराएदार रह रहे हो, टैक्स दो हमें और रहो। और अगर ये दूसरा ऑप्शन भी मंजूर नहीं तो तीसरा जुमला तो बहुत ही खतरनाक लिखा अबू उबैदा ने, लिखवाया कि अगर ये भी मंजूर नहीं तो सुन लो कान खोल के, तीसरा ऑप्शन, अगर तुम न कलमे पे आते न टैक्स पर आते तो फिर याद रखना कि तुम लोगों को जितनी पसंद शराब है, वो ईसाई थे सारे, अबू उबैदा ने लिखवाया कि जितनी पसंद तुम्हें शराब है उससे ज्यादा पसंद हमारे फौजियों को मौत है, उससे ज्यादा पसंद हमारे फौजियों को मौत है, फिर क्या होगा वो तुम सोचो। ये था हजरत अबू उबैदा रजी अल्लाह तआला का खत जो वहां रवाना हुआ। अब जाहिर सी बात है शुरू शुरू में जरा अकड़ होती है हर एक में, एकदम से रस्सी का बल नहीं जाता। उनके पास जब ये गए उन्होंने कहा हां ये कहेंगे हमारे से मुकाबला, आने दो, दोनों बातें कैंसिल का, ना तो कलमा कबूल ना टैक्स कबूल। हजरत अबू उबैदा रजी अल्लाह तआला के सामने जब ये बात आई तो फरमाया कि ठीक है अब चलो रवाना हो जाओ, जब कुछ नहीं कबूल तो अब से लास्ट ऑप्शन है, अब उसी पर अमल होगा। और ले करके अबू उबैदा रवाना हो गए।
और बैतुल मकदिस के अंदर ये सारा का सारा मामला था और वहां पे ये सारे लोग थे। इन्होंने क्या किया, पूरे तरफ से दीवारें थी शहर के और गेट थे शहर के, गेट बंद कर लिए, किले में बंद हो गए। बैतुल मकदिस पहले बताया ना कि सारे शहर बंद होते थे चारों तरफ से, बंद कर लिए दरवाजे। अब अबू उबैदा इब्नुल जर्राह का लश्कर आया और किलों के चारों तरफ, बैतुल मकदिस के चारों तरफ है। बाद रिवायात में आता है 40 दिन और बाद रिवायात में आते 4 महीने। 40 दिन या 4 महीने तक उसको घेर के रखा है फौजी चारों तरफ से, मसला हल नहीं हो रहा। वो मुकाबले चलते रहे अंदर से, वो कोशिश को उधर से फेंक रहे, कुछ मार रहे, कुछ इधर से चल रहे, लेकिन कुछ मसला हल नहीं हो रहा। लेकिन अल्लाह का करना कि अबू उबैदा इब्नुल जर्राह भी एक लम्हे को पीछे हटने को तैयार नहीं, वो भी जमे हुए हैं अपनी जगह पर। जब बहुत लंबा ये मामला चला और मसला किसी तरह हल न हुआ तो हजरत अबू उबैदा इब्नुल जर्राह रदियल्लाहु अन्हु भी वही है। जब उन्होंने देखा कि अब ये मुसलमान यहां से टलने वाले नहीं है और ये मसला किसी तरह हल होने वाला नहीं है, तो फिर अब उन्होंने कहा कि ठीक है, हम सुलह के लिए तैयार हैं, झुकते हैं, कब मंजूर है सुलह, हवाले कर देंगे तुम्हारे इसको, लेकिन एक शर्त है। भाई बताओ क्या शर्त है। अब कहा कि शर्त यह है कि आपके जो खलीफा हैं, जो अमीरुल मोमिनीन हैं, आप उन्हें बुलाइए, वो खुद यहां आएंगे, हम इस शहर की चाबियां उनके हाथ में देंगे, उन्हें बुला लीजिए। कौन है अमीरुल मोमिनीन? हजरत उमर का, बुला लीजिए उन्हें। अल्लाहु अकबर। अब हजरत उमर के पास में खत आता है अबू उबैदा का कि ये कह रहे हैं कि आप आ जाएं, चाबियां आपके हवाले कर देंगे। इन्होंने कहा आखिर देखो ये तो सही कि कौन है वो अजीम बादशाह, कौन है वो हाकिम, इस कदर जबरदस्त फौज है, ऐसा निजाम है और ऐसा रोब है कि इन्होंने तो किसी को भी नहीं बख्शा चारों तरफ, देखे तो सही आखिर वो हाकिम। हजरत उमर के पास खत पहुंच रहा, आपने फरमाया ठीक है आ रहा हूं, मशवरा किया सहाबा से, सहाबा की राय हुई ठीक है चले जाए। कितने आदमी जाएंगे भाई? पूरा पूरे ममलकते इस्लामिया का जो सदर है अमीरुल मोमिनीन है वो जा रहे हैं ना। आजकल तो जरा सा चेयरमैन भी निकले तो 2-4 गाड़ी आगे पीछे लगी रहती, अब अमीरुल मोमिनीन जा रहे हैं। मदीना से बैतुल मकदिस का सफर है, फरमाया किसी की जरूरत नहीं, मैं चला जाता हूं, साथ में एक गुलाम ले लिया, बस एक आदमी काफी। फरमाया मैं जा रहा हूं, मेरे साथ एक शख्स काफी है, किसी दूसरे की अब जरूरत नहीं। हजरत उमर इब्नुल खत्ताब रदी अल्लाहु ताला अन्हु लेकर के और रवाना हो जाते हैं। सवारी भी सिर्फ एक है। अब है यहां पे वो मशहूर वाकया जो सैकड़ों मरतबा आपने वो सुना होगा, लेकिन ये पीछे से कहानी आज जुड़ी है हमारी। यहां पे है वो सीन, फिर हजरत उमर लेकर के चले हैं और फिर एक सवारी है, हालांकि अपने साथ में 500 सवारियां, अगर हजरत उमर ले जाना चाहते तो ले जा सकते थे, लेकिन हजरत उमर ने सिर्फ एक सवारी का इंतखाब किया, फरमाया कि कभी तुम सवार हो जाना, कभी मैं सवार हो जाऊं। हजरत उमर इब्नुल खत्ताब रदी अल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि एक शख्स वैसे ही चल रहेगा, पैदल चल रहेगा, पैदल चल के हम सफर को पूरा कर लेंगे, कोई परेशानी की बात नहीं है। तो हजरत उमर इब्नुल खत्ताब रदी अल्लाहु ताला अन्हु रवाना हो जाते। अब रवाना होने के बाद में जो मरहला आता है, अल्लाहु अकबर, हजरत उमर इब्नुल खत्ताब रदी अल्लाहु ताला अन्हु इधर से रवाना है, रास्ते में कितनी जगह पर चलते चलते गुलाम को बिठाते हैं और खुद उस सवारी की नकेल को पकड़ करके लेके चलते, खुद सवारी को लेकर के चल रहे, गुलाम को आराम से बिठाया हुआ है। कभी गुलाम बैठ रहे हैं, हजरत उमर चल रहे हैं, कभी हजरत उमर चलते हैं, गुलाम बैठता है, सारा सफर इसी शान से हो रहा है। अब
वहां पे इंतजार हो रहा है, अल्लाहू अकबर, वहां इंतजार है, अमीरुल मोमिनीन आ रहे हैं। सारी ईसाई उनके मौलवी मुल्ला जो पादरी थे वो चढ़े पड़े दीवारों पे देख झांक रहे हैं वहां से कि देखते कितनी बड़ी फौज आ रही होगी, बहुत डेंजरस होंगे और ये होगा वो होगा, सब चढ़े हुए। अबू उबैदा इब्नुल जर्राह रज़ी अल्लाह तआला ये मौलवी मुल्ला वाली ताबीर इसलिए इख्तियार की कि जैसे हमारे यहां मौलवी और मौलाना होते हैं ऐसे ही उनके जो उलमा होते हैं उन्हें पादरी कहा जाता, वो सब चढ़े हुए थे, वहीं पब्लिक भी सारी वहां से झांक रही दीवारों पे से। हजरत उमर इब्नुल खत्ताब दाखिल हो रहे शहर में, अजीब जगह ही एक जगह थी, वहां पे नाला सा था, घाटी सी थी, पानी है, कीचड़ है। हजरत उमर उतर गए, अबू उबैदा इब्नुल जर्राह जो उस फौज के जिम्मेदार है जिन्होंने उनको घेर रखा है वो इस्तकबाल के लिए आए हैं, देखा उमर आ रहे हैं सामने से खलीफा अमीरुल मोमिनीन, और जिस वक्त में वहां एंट्री का नंबर आ रहा है उस वक्त में गुलाम के बैठने का नंबर है। वो खादिम ने कहा हजरत अब दाखिल होंगे यहां पे, अब तो मैं नीचे आ जाता हूं, आप ऊपर आ जाएं। हजरत उमर ने फरमाया नहीं, तुम ऊपर बैठे रहो। आप अंदाजा करिए बैतुल मकदिस के फातिह बन के उमर इब्नुल खत्ताब रदी अल्लाह तआला अन्हु दाखिल हो रहे हैं, और दाखिल होने की कैफियत यह है कि गुलाम सवारी पे सवार है और उमर इब्नुल खत्ताब सवारी लेकर के चल रहे। जब वो नाला घाटी टाइप में आई तो हजरत उमर नीचे, आपने अपने मौजे क्योंकि गीले होते कीचड़ में हो जाते, आपने जूते मौजे उतार के अपने कंधे पे रख लिया। सामने अबू उबैदा खड़े थे, जब वो मिले कहने लगे हजरत आज आपने कैसे काम किए, मतलब उन्हें भी हैरत हो रही थी कि कुछ तो जरा मतलब इंप्रेशन बना करके आना था, ये सारे खड़े हुए देख रहे हैं बदमाश जालिम, कुछ तो इनकी वो होती। सवारी को हाथ में लेकर के आ रहे हैं, खुद पैदल चलते हुए आ रहे हैं, मौजे गले पे रख रखे, और जो कुर्ता पहन रखा है हजरत उमर इब्नुल खत्ताब रजी अल्लाह अनु ने वो कुर्ता भी सही नहीं, फरमाए उसके अंदर भी तकरीबन 17 पेवंद लगे हुए थे, जगह जगह से फटा हुआ वो कुर्ता, जगह जगह वो कुर्ता फट रहा है। वो कुर्ता पहन करके दाखिल हो रहे हैं, जब ये जुमला अबू उबैदा ने कहा कि आज कैसे काम किए तो हजरत उमर समझ गए ये क्या कहना चाह रहे हैं, इन्हें जरा वो रोब दबदबा वो सब नहीं नजर आ रहा। तो हजरत उमर इब्नुल खत्ताब ने फरमाया अबू उबैदा काश ये जुमला तुम्हारे अलावा कोई और कहता, काश ये जुमला कोई और कहता। और फरमाया अबू उबैदा याद नहीं, हम तो बहुत जलील थे, अल्लाह ने हमें इस्लाम की वजह से इज्जत अता फरमाई, हम तो बहुत ही जलील थे, अल्लाह ने इस्लाम की वजह से इज्जत अता फरमाई। और फिर मुखातब करके कहा कि अगर तुम लोग इस्लाम के अलावा किसी चीज में इज्जत तलाश करोगे तो अल्लाह तुम्हें जलील कर देगा। अगर तुम अल्लाह से इस्लाम के अलावा किसी चीज में इज्जत ढूंढोगे तो जलील हो जाओगे। तुम ये मत समझना कि हमारी इज्जत गाड़ी बंगलों में है, हमारी इज्जत लिबास में है। फरमाया तुम्हारी इज्जत गाड़ी बंगले लिबास में नहीं, तुम्हारी इज्जत इस्लाम और इस्लामी तालीमात में है। ये कहते हुए हजरत उमर इब्नुल खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु वहां पर दाखिल हो गए। अब दाखिल होने के बाद वहां जो उनके बड़े थे वो देख रहे कि यार ये तो अजीब खलीफा आ रहा है, कुछ भी नहीं, यहां तो पूछा यही है खलीफा, कहा यही है खलीफा, हैरान रह गए सारे के सारे, कोई अकड़ नहीं, कोई तकब्बुर नहीं, कोई बड़ाई नहीं, इस कदर सादगी अल्लाह ने आता फरमाई थी। फिर अब बैठते हैं, कहते हैं कि चलिए सुलहनामा लिख लेते हैं, अहद लिख दिया जाए ये सब जो हो रहा है मामला। वो लिखवाया और लिखवाने के अंदर क्या जुमले थे उसमें बहुत बड़ा था वो, मैं उसका एक जुमला खास आपके सामने सुनाना चाहता हूं। उसमें ये लिखवाया गया कि इस शहर के अंदर किसी यहूदी को आप आबाद नहीं करेंगे। ये शर्त पता है किसने लगवाई? ईसाइयों ने।
ईसाइयों ने कहा यह शर्त लगाई है कि यहां कोई यहूदी आबाद नहीं होगा कभी, ये शर्त लगाई गई थी और बाकायदा लिखवाया था ये ईसाइयों ने। और आज ये जालिम सारे ईसाई और यहूदी एक साथ मिले हुए, इज़राइल यहूदियत का तर्जमान है, ये यूरोप और अमेरिका ये सारे के सारे ईसाइयत के तर्जमाने, ये सब मिल करके मस्जिद अक्सा के पीछे पड़े। हालांकि इन यूरोप वाले नालायकों को ये नहीं पता या इन इजरायलियों को ये नहीं पता कि जिस वक्त ईसाइयों ने बैतुल मकदिस की चाबियां हजरत उमर के हवाले की थी, उस वक्त शर्त लगवाई थी कि हम रहेंगे या मुसलमानों को रहने दिया जाए, यहूदी कोई ना रहे यहां पर। इतना गंदा समझते थे यहूदियों को। अब वही है कि जो मैं एक बात कहा करता हूं कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। दोनों दुश्मन मिल गए आपस में तो एक से लड़ाई है, तो इसलिए सब एक हो गए, अब सब एक दूसरे के साथ है। ये नहीं पता हमारी औकात कितनी खराब की है पहले। तो उन्होंने ये सुलह नामे के अंदर लिखवाया कि यहां पे कोई यहूदी दाखिल ना हो, यहां ना रहे कोई यहूदी, हम आपको बैतुल मकदिस की चाबियां दे रहे हैं। हजरत उमर इब्नुल खत्ताब रजी अल्लाह तआला ने वहां पर चाबियां ली। उसके बाद पूरा लश्कर अबू उबैदा के साथ वाला तकरीबन 5000 के करीब का वो लश्कर था दाखिल हुआ और पूरी मस्जिद अक्सा की सफाई की गई। खुद हजरत उमर लगे सफाई के अंदर, सहाबा के साथ मिलकर के सफाई की। जितनी गलत चीजें इन्होंने वहां लगा रखी थी सब तोड़ताड़ करके फेंक दी, हजरत उमर ने सफाई की और सफाई करने के बाद में फिर वहां पर पहली नमाज अदा की गई। पहली नमाज इस्लाम के बाद तो पहली बार फतह हो रहा है, इसलिए पहली मर्तबा वहां पे नमाज अदा की जा रही है। उससे पहले तो अल्लाह के नबी तशरीफ लाए थे, लेकिन बाकायदा तौर पर यहां पर जो सब इस्लामी तरीकों के मुताबिक काम हुआ वो अब यहां पर शुरू हो रहा। हजरत उमर इब्नुल खत्ताब ने नमाज पढ़ाई है वहां पर, कितना प्यारा नजारा होगा। हजरत उमर इब्नुल खत्ताब इमाम बने, तमाम की तमाम फौज उनके पीछे खड़े होकर के नमाज अदा कर रही है। मस्जिद अक्सा का वो पूर नूरानी मंजर है, वहां नमाज अदा हुई है। और नमाज में सूरतें कौन सी पढ़ी हैं, मुहद्दिसीन की मेहनतों पे कुर्बान जाइए, एक एक चीज नकल कर दी। दो रकत नमाज पढ़ी हजरत उमर ने, एक रकत में पढ़ा है हजरत उमर ने सूरतुल इसरा, सूरतुल इसरा, सूरतुल इसरा 15वें पारे की पहली सूरत, जहां से 15वां पारा शुरू हो रहा है वही सूरतुल इसरा। सुबहान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। इसी सूरत पाक के अंदर अल्लाह ने मस्जिद अक्सा का जिक्र किया, यही उमर इब्नुल खत्ताब पहली नमाज में तिलावत फरमा रहे। दूसरी सूरत जो पढ़ी है वो सूरह स्वाद, तो एक रकत में सूरह इसरा, दूसरी में सूरह स्वाद। अगर मैं और आप होते और कहीं दाखिल होते तो इतने जल्दी से सूरह फलक और नाद पढ़ के फिर सलाम फिर सेल्फी लेनी फिर फोटो खींचेंगे यहां पे, जरा नमाज जरा छोटी सी पढ़ फिर जरा ताकि लोड अपलोड कर दें सारे मीडिया पर के देखो कर दिया फतह हमने। वो उस मौके के ऊपर जाकर के सबसे इत्मीनान से नमाज को अदा कर रहे हैं, पता चला नमाज ही उनका असल मकसद था, ये है बस उनका मकसद। इतनी खुशी के आलम में आप सोचें कि उस वक्त मुसलमानों में क्या जोश और जज्बा होगा, क्या हाल होगा। बैतुल मकदिस तारीख इस्लाम के अंदर हुजूर के बाद ये पहली बार फतह हो रहा है, लेकिन मुसलमान वहां जाकर के पूरी हजरत उमर सूरह स्वाद और सूरह इसरा इसकी तिलावत फरमाते। कितनी तवील सूरतें आप सब वाकिफ हैं। तो इन सूरत सूरत मुबारक की तिलावत हजरत उमर ने वहां पे फरमाई। कितने हो गए ये मामले फतह के, दो। पहली फतह बताई आपको, फाते कौन है उसके, हजरते
यूशा बिन नून। और दूसरी जो फातह है वो कौन है? हजरत उमर। हजरत उमर के सर 13 है, लेकिन लश्कर कौन लेकर के गया था? हजरत अबू उबैदा। इसलिए मेरी दरखास्त है कि जब भी फातह बैतुल मकदिस का नाम आए, हजरत उमर का बेशक लिखे नाम पेशानी पे हजरत उमर का, लेकिन साथ में अबू उबैदा इब्नुल जर्राह का भी हो कि इनकी सरकर्दगी में और इनकी मेहनत और वहां पे किले की घेराबंदी से अल्लाह ने फतेह बैतुल मकदिस अता फरमाई थी। ये दूसरी फतह है इसकी। उसके बाद निजाम सारा चलता रहा वहां, अल्लाह ने सारा इस्लामी निजाम चला रखा था। उसके बाद अल्लाह का करना कि सलीबियों ने उसके बाद फिर बैतुल मकदिस पे एक मरतबा कब्जा कर लिया, फिर निकल गया वो दोबारा हाथ से। सलीबियों से मुराद वही ईसाई, फिर से दोबारा कब्जे में आ गया उनके, दोबारा चला गया। जाहिर सी बात है, मुसलमानों को चीज मिल जाती है शुरू शुरू में तो सही रहता है मामला, उसके बाद गफलत करते, फिर चली जाती है, फिर थोड़े से होश में आते। अब चला गया वो फिर से, अब जाने के बाद में दोबारा उसकी फतह कैसे हो? सदियों गुजरती गईं, साल गुजरते गए, फतह का कोई सामान नहीं हो रहा। अल्लाह का करना ये कि अल्लाह ने फिर एक मर्द मुजाहिद और बहादुर इंसान को पैदा किया जिसको सारी दुनिया सलाहुद्दीन अय्यूबी के नाम से जानती है। अल्लाह ने उनके अंदर फतेह बैतुल मकदिस की रूह को फिर से फूंक दिया, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी। हजरत सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहीमहुल्लाह, अल्लाह करोड़ों रहमतें इस मर्द मुजाहिद की कब्र पे नाजिल फरमाए। हजरत के अंदर बैतुल मकदिस को आजाद कराने की एक तड़प पैदा हो गई कि मुझे किसी तरह बैतुल मकदिस को आजाद कराना, बैतुल मकदिस गैरों के हाथ में नहीं रह सकता। तड़प गए, हर वक्त फिक्र में रहने लगे, हर वक्त टेंशन रहने लगी। जब भी कोई मिलता चेहरा उतरा हुआ, गमगीन, रातों को नींद नहीं आ रही है सुल्तान को। किसी ने कहा, हजरत आप हर वक्त बेचैन हैं, हर वक्त आप बेचैन हैं, आपको सुकून क्यों नहीं रहता? सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी नवरल्लाहु मरकदहू का प्यारा जुमला सुने हजरत ने फरमाया, कैफ यकीबु लियल फरहु, फरमाया मैं खुश कैसे रह सकता हूं? कैफ यकीबु लियल फरहु वत्ताम वन्नौम, मैं खुश कैसे रह सकता हूं? मैं खाने मजे से कैसे खा सकता हूं? मैं मजे की नींद कैसे सो सकता हूं? व बैतुल मकदिस बी अईदिस सलबियीन, के बैतुल मकदिस सलेबियों के हाथ में हो और सुल्तान अय्यूबी मजे की नींद सो जाए, ऐसा हो नहीं सकता। फरमाया मुझे मजे की नींद जब आएगी, खाने का टेस्ट जब आएगा, जब मैं बैतुल मकदिस को उन जालिमों के हाथ से आजाद करा दू। लोगों को जोड़ना शुरू किया, मेहनतें शुरू की, लोगों को बैतुल मकदिस के फजाइल बताए, क्योंकि जब तक उम्मत बैतुल मकदिस से वाकिफ नहीं होगी तो कुर्बानी क्या देगी उसके लिए। इसीलिए मैंने गुज़िश्ता पूरे हफ्ते में पूरा जो प्रोग्राम था उसमें वहां की अहमियत समझाई थी कि हम पहचानते तो सही क्या जगह है, वो अभी तो हमें पता ही नहीं। हम बस ये समझ रहे हैं कि जैसे और मस्जिद है वैसे ही एक मस्जिद नहीं, सारी मस्जिद काबिल एहतराम, मगर वो दुनिया की तीसरी काबिल एहतराम मस्जिद है, उससे बहुत अकीदत वाबस्ता है हमारी। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी नवरल्लाहु मरकदहू ने बड़ी मेहनत की, लोगों में शौक पैदा किया, जज्बा पैदा किया, एक पूरा लश्कर तैयार कर दिया जिनका मकसद सिर्फ ये था कि बैतुल मकदिस को आजाद कराएंगे। बिला आखिर 15 रजब सन 583 हिजरी, 15 रजब 583 हिजरी और सन ईसवी के एतबार से 1187 ईसवी 1187, ये कौन सा चल रहा, 2021 या 22 21, तो ये 2021 चल रहा है, इसमें बैक चले जाए 1187 जो था वो है तारीख, वो है साल,
और इस्लामी साल के एतबार से 583 हिजरी और 15 रजब वो तारीख है जिस तारीख में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का लश्कर बैतुल मक़दिस में पहुंच जाता है, फौज लेकर के पहुंच गए बाउंड्री पर उसकी, वहीं जहां कौन पहुंचे हुए थे पहले, हजरते उनसे भी पहले हजरते मूसा पहुंचे थे किसे लेकर के, बनी इसराइल को, जो बाउंड्री में बैठे थे कि आप जाइए हम तो यहीं दर्शक बने हुए हैं, टिकट लेकर आए यहीं से देखेंगे क्या हो रहा। फिर उसी बाउंड्री पे पहुंचे थे अबू उबैदा इब्नुल जर्राह और उनके साथी, उनमें से किसी ने नहीं कहा आप जाइए, नहीं उन्होंने कहा नहीं हम पहले जाएंगे। आप देखें उम्मत मोहम्मदिया के अंदर माशाल्लाह अल्लाह ने कैसे ये जज्बात रखे। फिर यहीं पे पहुंचे सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी, हर फाते वहीं पहुंच रहे, ये पता रख रहा वहीं पहुंच रहा है ना इंशाल्लाह। तो ये चीज जहन के अंदर रहनी चाहिए कि बैतुल मक़दिस की चार दीवारी पे सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी नव्वरल्लाहु मरकदहु अपनी फौजें लेकर के पहुंच गए, सब ने वहां पे डेरा डाल लिया, तैयारी है। इन्होंने क्या कर रखा था, सलीबियों ने किले बना लिए वहां बैतुल मक़दिस के चारों तरफ, बड़े बड़े किले, आलीशान किले, बड़ी मेहनत पड़ रही है, उनसे मुकाबले चल रहे हैं, जंगे हो रही हैं, इस कदर लोगों ने जामे शहादत नोश किया कि हम सोच भी नहीं सकते, बे इंतहा मुसलमान वहां शहीद हो गए। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी नव्वरल्लाहु मरकदहु के साथ में जामे शहादत नोश कर लिया। जाहिर सी बात है प्लेट में सज के तो फतह मिलने वाली नहीं थी, कुछ लोगों की शहादतें होनी थी तब जाकर के ये फतह मिलती, अल्लाह का करना। 15 को ये मामला शुरू हुआ था, अभी सिर्फ 27 रजब आई थी, 15 से 27, 15 रजब को वहां पे पहुंचे थे और आज जब 27 रजब आई और जुमे का दिन था, उस दिन अल्लाह ने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को फतह अता फरमा दी, फतह मिली। ये तारीख याद रखना, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी 15 रजब को 583 हिजरी और ईसवी सन के एतबार से बताया 1187 ईसवी उसको वहां पे पहुंचे और फिर अल्लाह ने 27 रजब और जुमे के दिन बैतुल मक़दिस को फतह फरमा दिया। 27 रजब, एक बात और शायद जहन में आ रही होगी, 27 रजब ही बाज लोग कहते कि शबे मेराज, 27 रजब शबे मेराज, हालांकि ये कौल तहकीकी नहीं है, कोई इसकी मजबूत सनद नहीं है। बहरहाल 27 रजब को ये अल्लाह ने वहां पे फतह अता फरमाया। हमारे यहां भी अजीब मस्त लोग हैं, कुछ शबे मेराज मनाते हैं बड़ी धूमधाम से कि आज रात मेराज हुई थी, बड़े भागे फिरते हैं इधर उधर अपने बुराक के ऊपर, यही बाई के लिए हुए कि आज शबे मेराज है, शबे मेराज है, बुराक नहीं मिल रही इसे ही दौड़ा लो। लेकिन उन जालिमों को सारी रात दो रकत भी पढ़ने की तौफीक नहीं होती कि जिस जगह से मेराज हुई थी उसकी आजादी के लिए कम से कम दो रकत पढ़ के दुआ कर ले। हम ये सब शबे मेराज वगैरह मनाने के कायल नहीं है, लेकिन हम उस जगह के लिए दुआओं का इहतमाम करें कम से कम, और कुछ नहीं कर सकते तो दुआ तो मांगे वहां के लिए। हालांकि सिर्फ दुआ पे इक्तिफा नहीं करना, अमली तौर पे भी हमें अपने आप को पेश करना पड़ेगा, लेकिन जब वक्त होगा वो अपना वक्त होगा, लेकिन फिलहाल जो कर सकते हैं वो दुआ हमारे इख्तियार में, तो दुआ में मशगूल हुआ करें, दुआएं किया करें। तो 27 रजब बरोजे जुमा अल्लाह ने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी नव्वर अल्लाहु मरकदहु ये तीसरे बैतुल मक़दिस के फाते बने हैं और इनको अल्लाह ने वहां पे दाखिल फरमा दिया फाते बनाकर।
अंदर इन्होंने सलेबियों ने वो सलीब लगा रखी थी, वो क्रॉस बहुत लंबा चौड़ा। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने सबसे पहले उसके दो टुकड़े किए, कहा इस फसाद की जड़ को तोड़ो पहले, उसका खात्मा करा सुल्तान अय्यूबी नव्वर अल्लाहु मरकदहू ने। और जिस वक्त में सलीब को तोड़ा और पूरी फौज और लश्कर दाखिल हुआ है बैतुल मकदिस में, तारीख में लिखा है कि पूरी मस्जिद अक्सा और बैतुल मकदिस शहर अल्लाहु अकबर की तकबीरों से गूंज रहा था। हर तरफ आवाजें आवाजें और हर तरफ मुबारकबादें कि अल्लाह ने कितनी बड़ी फतह अता फरमाई। ये मामला वहां पर पेश आया और ये कारनामा वहां पर हुआ। अल्लाह तबारक व तआला ने इतनी अजीम शान फतह बैतुल मकदिस की इन हजरात के हाथों के ऊपर वहां पर अता फरमा दी। कितनी फतूहात हो गई? तीन। नंबर एक, फाते पहले कौन? हजरते यूशा। दूसरे फाते कौन? हजरते उमर। किसकी निगरानी में? हजरते अबू उबैदा की निगरानी में। और तीसरे फाते हजरते सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी नव्वर अल्लाहु मरकदहू। अब तारीख अपने चौथे फाते की तलाश में है कि अल्लाह चौथा फाते किसको बना करके बैतुल मकदिस का उठाता है। अब चौथा फाते चाहिए, उसके लिए जरूरत है, अब हमें उसके लिए फिक्र करने की जरूरत है। अल्लाह किसी को भी कबूल कर सकता है। कभी भी बंदे को यह नहीं सोचना चाहिए कि मैं कहां और वो काम कहां। नहीं, पता नहीं अल्लाह किससे क्या काम ले। मांगे अल्लाह से। आज फिर वही हाल है कि इन दुनिया भर के जालिम और जाबिरों ने बैतुल मकदिस को अपने नरगे के अंदर लेने की चालें चल रखी है और कुछ हिस्सा उसका अपने कब्जे में ले लिया, कुछ हिस्सा उसका नमाज के लिए दे रखा है। लेकिन वहां भी ऐसे क्या मजा कि रात दिन वहां हमले और अटैक होते रहे। फिर जरूरत है कि कोई अल्लाह ऐसा फर्जंद पैदा करे कि जो मुकम्मल तौर पर इन यहूदियों से बैतुल मकदिस और मस्जिद अक्सा को महफूज फरमा दे। यूशा बिन नून, उसके बाद उमर और अबू उबैदा, फिर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी। अब लिस्ट का चौथा खाना खाली है। अल्लाह करे जल्द अज जल्द ये खाना पूर हो जाए। इस लिस्ट को भरने की जरूरत है। उसके लिए हमें अपने अंदर हिम्मत, हौसला, जज्बा पैदा करने की जरूरत है। और कौम के नौजवानों से खास दरखास्त है कि ये कारनामे जवान जब ही अंजाम दे सकते हैं कि जब वो अपने आप को मुआशरे की गंदगियों से दूर रखेंगे। अगर ये हमारे नौजवान लड़की और औरतें बने फिरेंगे जो हाल इन्होंने नाउजुबिल्ला कर रखा है, चुटिये बांधे बांधे घूम रहे हैं और औरतों की तरह कपड़े पहने घूम रहे हैं, औरतों की तरह ब्यूटी पार्लरों के चक्कर लगा रहे हैं, ऐसे जालिमों से बैतुल मकदिस तो क्या अपनी गली नहीं फतह हो सकती। इनके बस का कुछ नहीं। ये तो औरतों से भी निकम्मे हैं। पहले जरूरत है हमें अपने अंदर हिम्मत और हौसला पैदा करने की, सलाहियत पैदा करने की, अपने अंदर वो जज्बे लाने की। अभी मैं किसी की पोस्ट देख रहा था, किसी ने बड़ी प्यारी बात लिखी थी उसके अंदर कि हर मां चाहती है कि सुल्तान अय्यूबी मेरे ही घर में पैदा हो जाए। हर मां यही चाहती और लेकिन हरकतें देख लो। सुल्तान अय्यूबी ऐसी माओ की गोद में नहीं पैदा हुआ करते जैसा हाल आजकल कर रखा है कि सर के ऊपर दुपट्टे का आता पता नहीं है, जिंदगी में नमाज और रोजे का आता पता नहीं है। ऐसी जगह सुल्तान अय्यूबी नहीं तशरीफ लाने वाले। हमें माहौल को बदलना होगा, घरों का निजाम, अपना सिस्टम दीन का बनाना होगा, एक दीनी जज्बे पैदा करने होंगे, तब अल्लाह किसी को भी खड़ा कर देगा। फिर उसकी ताउन और मदद के लिए अल्लाह जिसे कबूल करेगा। लेकिन हमें अपनी इस तब्दीली के लिए और मुआशरे की इस इस्लाह के लिए सबसे पहले अपने घर में हिम्मत करनी पड़ी। ये खुराफात से, नालायकियों से, इधर उधर के कामों से अपनी कौम को बचाना पड़ेगा, तब जाकर के कुछ हमारे यहां तब्दीली आ सकती।
बहरहाल ये तारीख में सिलसिलेवार ये सब चीजें अर्ज कर रहा हूँ आपके सामने, ये सब रिलेटेड है हमारी उस प्यारी मस्जिद मस्जिद अक्सा से। ये उसकी हिस्ट्री है जो मैंने आज सुनाई है ये आपको कि उसकी फतह की क्या तारीख थी। ये पूरी तारीख फतह की रही है उसकी, और बता दिया है कि तीन फाते उसके बुनियादी तौर पर ये हजरात रह चुके हैं और चौथे फाते का इंतजार है। पैदा कर रहे हैं ना हिम्मत, हौसला और जज्बा, बस। वरना तो हमारे यहां यही पता है कि खाना खाने के बाद मीठा खाना सुन्नत है, उसी में कौम लगी हुई। ये चीजें कहां से आएंगी फिर हमारे यहां पर, ये चीजें कहां से आएंगी? सुबह में देख लें किस कदर ताखीर का मामला हमारे घरों में हो रहा है, कोई निजाम दीनी नहीं। कहां से ये बरकतें हमारे घरों से पैदा हो सकती? इसलिए फिक्र करें, ये जो हमारी सीरीज ये चल रही है इस उन्वान के ऊपर, इन चीजों को सुन करके बेदारी मामले माहौल के अंदर पैदा करें कि बेदार हो हमारा मुआशरा कि हमें आखिर करना क्या है। इस तरह सुस्त रफ्तारी से हमारा मसला हल होने वाला नहीं है। उसके बाद अगली चीज जो मुझे जरा पानी दिखा, अगली चीज जो जिक्र करनी है उस पर आते हैं। आगे का मरहला है हमारे सामने कि अल्लाह तबारक व तआला ने, ये तो माशाल्लाह समझ में आ गया होगा ना उन्वान, फतेह बैतुल मक़दिस की तारीख। अगली जो चीज है वो ये कि इस वक्त में वहां पर जो मुकाबला चल रहा है वो है यहूदियत से। सामने यहूदियत है, उसके पीछे सारे, उसके पूंछ के नीचे सब हैं। तो चेहरा जो बना हुआ है इस वक्त फिलिस्तीन के ऊपर वो किसका है? यहूदियत का। यहूदियत कब्जा करना चाह रही है। हाँ, ईसाई हो गए और दीगर हो गए, ये सब यहूदियत के नीचे नीचे हैं इस वक्त। इस वक्त टारगेट यहूदियत और इस्लाम है। बुनियादी तौर पर मैं जिक्र कर रहा हूं सबसे पहले आपके सामने कि यहूदियत जो है, ये जो बुनियादी तौर पर सामने आई है यहूदियत, यहूदियत का मामला जरा समझ लें कि यहूदियत है क्या, ताकि हमारी कौम को ये भी पता रहे कि यहूदियत होती क्या चीज है। ये इल्म में रहना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये याद फरमा लें कि यहूदी ये इंतहाई बदतर दर्जे की कौम है। इंतहाई, जरा ये तीन नंबर पे जला दिया पंखा, इसको तीन पे कर लिया। इंतहाई बदतर दर्जे की कौम है। इनकी हालात और इनके कैफियात क्या हैं? कुरान पाक की जबान के अंदर आप सुने उनको, बड़ी बड़ी अजीब व गरीब कौम है ये। इनकी हरकतें कुरान ने जगह जगह नकल की है, इनका तारुफ जो कराया। हालांकि देखें, यहूदी कहते किसको है? बुनियादी तौर पर यहूदी वही है ना जो किसको मानते हो? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। ये बात सब लोग याद रखें कि यहूदी असल के एतबार से मानने वाले हैं किसके? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के। भाई जब एक नबी के मानने वाले हो तो अल्लाह से तो उसने अकीदत रखनी चाहिए, अल्लाह के बारे में तो गलत बातें नहीं होनी चाहिए ना। हर नबी के यहां अल्लाह के बारे में अच्छी बातें, लेकिन इन्होंने जालिमों ने अल्लाह को भी नहीं छोड़ रखा। कैसी कैसी बातें कुरान ने खुद नकल की है। वकालत यहूद यदुल्लाही मगलूला, यहूद कहते थे कि अल्लाह के हाथ तो बंधे हुए हैं, यानी अल्लाह अपनी खुशी से खर्च नहीं कर सकता कि मतलब जिसको जितना चाहे दे दे। यहूद कहते थे बंधे हुए हैं, मुकम्मल इख्तियार देने या ना देने का अल्लाह को नहीं है। नऊज़ु बिल्लाह, ये कुरान इनकी हरकतें नकल कर रहा है।
अब आप अंदाजा लगाएं कि किस एतबार से ये एक नबी के मानने वाले। हाँ, लेकिन नबी के यहां किसी के यहां ऐसी गलत तालीम नहीं, लेकिन यहूद के यहां ये अकीदे हैं। कुरान ने इनकी बातें ये नकल की। इसी तरह कुरान ने इनके बारे में नकल किया, मिनल लदीना हादु युहर्रिफून अल कलीमा अम मवाज़िही। ये क्या करते थे, अल्लाह ने हजरत मूसा को तौरात दी थी, तौरात उतरी थी, क्या करते थे, अपनी ही किताब अपने नबी पे उतरी हुई उस किताब में उसको आगे पीछे कर देते थे। जहां पे देखा कि यार ये काम बहुत टाइट आ रहा है, बहुत भारी पड़ेगा, और वो दो लाइनों में लिखा हुआ है, तो वो दो लाइन ही उड़ा दी, गायब कर दी वहां से। कहीं पे लगा जैसे हमारे यहां मान लीजिए कोई एक रुकू है और लग रहा कि यार इसमें बहुत भारी भारी काम का हुक्म दिया गया, वो रुकू ही गायब कर दिया। मिनल लदीना हादु युहर्रिफून अल कलीमा अम मवाज़िही, ये जालिम कुरान के बारे में तो क्या अच्छा काम करते, इनसे अपनी किताब पे नहीं अच्छा काम हुआ, अपनी किताब में तहरीफ करते थे, आगे पीछे कर देते थे अपनी किताब को। ये हरकत इनकी यहूदियों की नकल की गई है। इसी तरह कुरान पाक ने इनके बारे में नकल किया है, فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ। वादा खिलाफी करते थे, अल्लाह की आयात को और अल्लाह की निशानियों को झुटलाया करते थे और अल्लाह के नबियों को कत्ल करते थे। ये यहूदियों की सिफत रही है। तो नबियों के कातिल ये कौम रही है, अल्लाह की आयतों का और अल्लाह की निशानियों का इनकार करने वाली ये कौम रही है। ये तमाम खुराफात और तमाम बिदात इस कौम के अंदर राइज रही है, यहूदियत के अंदर। इसी तरह से अल्लाह ने कुरान पाक के अंदर इनके बारे में फरमाया, अवकुल्लमा आहदु आहदन नबज़हु फरीकुम मिन्हुम। जब कहीं परेशान होते हैं तो आपसे वादे कर लेंगे, लेकिन उसके बाद वादे को भूल जाएंगे, वादा तोड़ देंगे। परेशान हुए तो वादा कर लिया, लेकिन बाद में अपने वादे को तोड़ दिया। तो ये इस कौम की अलामतें बताई हैं अल्लाह ने कुरान पाक के अंदर। इसी तरह कुरान पाक के अंदर है, فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ। ये क्या करते हैं, किसी को कोई मसले की जरूरत पड़ी, किसी के सामने कोई मसला आया और उसे चाहिए कि ये मसले का हुक्म इस तरह से निकल आए, कोई चाह रहे हैं कि इस मसले का जवाब ये निकल आए, और इनकी किताब में लिखा हुआ है उसके खिलाफ, उसके बराक्स लिखा हुआ है, उसके उल्टा उसके खिलाफ लिखा हुआ है। तो यहूदी क्या करते थे, यहूदियों की हरकत थी कि जो ये चाह रहे होते थे कि ये जवाब निकले, ये अपनी तरफ से लिख के वहां चिपका देते थे। यक्तुबून अल किताब भी यही दी, अपने हाथ से लिख देते थे। सुम्मा यकूलूना हाज़ा मिन इंदिल्लाह, फिर क्या कहते थे लोगों से कि ये अल्लाह ने उतारी थी, ये जो आयत है ना ये वहीं से आई है, हमने नहीं लिखी। क्यों करते थे ये, लिए शरू भी समरन कलीला, इसका तर्जमा तो नहीं, मैं इसकी इसका सीन बना के दिखाता हूं। मान लीजिए इनके पास आदमी आया, आके कहा यार बिजली की चोरी हलाल कैसे होगी, मान लो इनकी किताब में लिखा कि ये हराम काम है, अब इन्हें हलाल कराना है। अब ये गए अपने पादरी के पास, उससे कहा कि हलाल कर भाई, उसने कहा यार लिखा तो हराम है, कहा भाई जुगाड़ तो तेरे ही पास होगा, तू ही करेगा किसी भी तरह। उसने कहा चलो ठीक है, 4-5 हजार रुपए दो मैं कर दूंगा कुछ जुगाड़। उनसे 4-5 हजार रुपए अकाउंट में ट्रांसफर कराए और आयत बना करके किताब में चिपका दी कि ये भी इसी किताब का हिस्सा है, अब उसमें बिजली हलाल कर दिया अपना काम। अल्लाह उसको कह रहे हैं यक्तुबून अल किताब भी यही दीन, अपने हाथ से किताब लिख देते थे। सुम्मा यकूलूना हाज़ा मिन इंदिल्लाह, फिर कहते थे अल्लाह ने उतारी है, और क्यों करते थे, लियश्तरू भी समनन कलीला, 1500 रुपए के चक्कर में।
आप जरा सोचे, ये कौम है या कौम के नाम पे धब्बा है, सारी जानवर हो रहे हैं, हद कर दी इन्होंने जुल्म की। ये हरकत इनकी यहूदियों की नकल की जा रही है कुरान पाक के अंदर। इसीलिए मैं कहा करता हूं कि अब जब ये करते हैं ना कि ये दे दो और ये हिस्सा ले लो, हम इतने पे खुश रहेंगे, कभी ना मानो इनकी बात। ये तो बहुत ही बड़े नेवले हैं, जाते कहीं है, रास्ता कहीं चलाते हैं अपना, बहुत ही बदमाश कौम है। इनकी किसी बात का कोई एतबार नहीं, कोई इनसे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, ये कुरान नकल कर रहा है इनकी हरकतें। इसी तरह कुरान ने कहा लता जीदन्ना अशद्दन्ना सी आदा वतन लिल्लदीना आमनु अल यहूद वल्लदीना अशरकू, कि मुसलमानों से सबसे ज्यादा नफरत दुनिया में अगर कोई करता है तो यहूदी है, कुरान का फैसला है। ईसाई भी अल्लाह ने कहा इतनी नफरत नहीं करते मुसलमानों से जितनी ज्यादा नफरत यहूदी करता है, यहूदी से ज्यादा नफरत कोई नहीं करता। इसलिए हमें भी अपने दिल के अंदर कैफियत रखनी चाहिए कि जब उनके दिल में इतनी सख्त नफरत है तो हम उनके तौर तरीके से क्यों मोहब्बत करें, हम उनकी चीजें क्यों अपनाएं। बिल्कुल उनकी तमाम चीजों से दूर रहना चाहिए, एक चीज भी जो उनकी मसनूआत हैं, उनकी बनाई हुई तक चीजें, उन तक से अपने आप को दूर रखना चाहिए। जिस चीज के बारे में हमें यकीन के साथ ये पता लग जाए कि ये चीज यहूदियत ने बनाई है और इसकी मैन्युफैक्चरिंग यहूदियों के हाथ में है, मुसलमान के ईमान का तकाजा ये है कि फिर वो उसको हाथ भी ना लगाए, हाथ भी ना लगाए। क्योंकि वो तमाम की तमाम चीजें अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ले रहे हैं, यूज कर रहे हैं, वो सब इस्लाम के खिलाफ जब इस्तेमाल हो रही है, वो अपने दुश्मन यानी मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम गोया के ताबुन कर रहे हैं उनका। उसमें हमें ईमानी गैरत का सबूत देना चाहिए, तहकीक कर लें, पता कर लें, फिर जो चीज समझ में आए उससे अपने आप को दूर रखें, जिस चीज का भी ताल्लुक यहूदियत से जुड़ा हुआ। ये इस्लामी गैरत और इस्लामी हमीयत का तकाजा है, ये कुरान ने उनके बारे में नकल किया। इसी तरह एक जगह कुरान ने कहा ला तत्तखिदुल यहूद वन नसारा औलिया बाज़ुहुम औलिया बाज़। अल्लाह ने फरमाया कि यहूदियों को ईसाइयों को दोस्त न बनाना, ज्यादा क्लोज न होना इनके। बाज़ुहुम औलिया बाज़, ये यहूदी और ईसाई आपस में बनेंगे एक दूसरे के दोस्त। कुरान 1450 साल पहले कह करके गया था बाज़ुहुम औलिया बाज़, यहूदी और ईसाई एक दूसरे का साथ देंगे, ये कुरान का फैसला था। और आज देख ले वही हमारे सामने, इज़राइल और पूरा यूरोप, अमेरिका एक दूसरे का साथ दे रहा है, यहूदियत और ईसाइयत एक प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़ी है इस्लाम के खिलाफ। और आगे अल्लाह ने कुरान के अंदर बड़े साफ अंदाज में यह भी फरमा दिया था वमन यतवल्लहुम मिनकुम फइन्नहु मिनहुम, अगर तुमने उनसे दोस्ती की तो तुम्हारा शुमार भी मैं उन्हीं में से करूंगा जो इनसे यहूदियों से और ईसाइयों से मिलेंगे। वो ममालिक जो आज हमारे इस दौर में, आज हमारे इस मुआशरे के अंदर जो दोस्तियां कर रहे हैं यूरोप से, अमेरिका से, इसराइल से, जो हाथ बढ़ा रहे हैं, वो चाहे कोई से इस्लामी मुल्क हो या कोई भी हो, डरना चाहिए उनको। अल्लाह ने कुरान में खुला कहा है वमन यतवल्लहुम मिनकुम फइन्नहु मिनहुम, जो दोस्ती करेगा इनसे उसका शुमार उन्हीं में होगा। ये अल्लाह ने यहूदियत की चाले, यहूदियत की बुनियादें जिक्र की हैं कि ये यहूदियत किस कदर मक्कार और आयार है और कितनी गंदी इनकी फितरत है यहूदियों की। इस चीज को हमें जहन के अंदर रखना चाहिए। इसी तरह यहूदियों के बारे में जो बड़ी हमारे लिए याद रखने वाली बात है कि ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले थे, और जाहिर सी बात है नबी की तालीमात तो सब पाकीजा थी, जो अल्लाह ने किताब उतारी थी वो भी मुकद्दस थी,
लेकिन इन्होंने गड़बड़ियां कर करके सब चीजें खत्म कर दी अपनी, सब पाकीजगी इन्होंने खत्म कर ली, कुछ चीजें बाकी रह गई उसके अलावा सब खत्म कर डाला। ये तो यहूदियत का वो तारुफ था जो कुरान ने कराया। अब आपको पता है ना कि ये यहूदी मुसलमानों से इतने ज्यादा जल भुन क्यों रहे हैं? अब उसकी वजह जरा समझ लें, यहूदियत इस्लाम से इतनी नाराज क्यों है? असल में इनकी ज्यादा ही पिटाई हुई है। अब सुनना आप जरा, बेचारे ये अपना पिछला बदला लेना चाह रहे हैं कि हमारे दादा नाना ने बहुत ही डंडे खाए थे, कुछ बदला ले लें। क्या हुआ है इनके साथ में जरा वो सुनिए। देखिए, हुजूर अली सलातु वस्सलाम जब मक्कतुल मुकर्रमा में नबी बने, मदीना में तो नहीं गए थे हुजूर, शुरू में मक्का में थे, मदीना में यहूदी रहते थे, यहूदी भी थे काफिर भी थे। यहूदियों के तीन कबीले हैं, जरा याद रखना, अभी कुछ दिन पहले दर्स में भी आए थे लेकिन उस दिन मैंने याद नहीं कराए थे, आज जरा याद करना। मुझे ये बताना है कि ये हमसे इतने नाराज क्यों हैं बेचारे, इतना गुस्सा क्यों है ये हमसे? इनके तीन कबीले थे, एक कबीला था कबीला बनू कैनुका, क्या बताया, कैनुका, काफ या नून, काफ अलिफ आइन, कैनुका एक कबीला। दूसरा कबीला है इनका, दूसरे कबीले का नाम है बनू नजीर, यह आसान सा है, कैनुका ही पे मश कर ले नजर अच्छी तरह। तीसरा वाला जो है वो है बनू कुरैजा, बनू कुरैजा, ये तीन कबीले थे यहूदियों के। पहला कबीला कौन सा, कबीला बनू कैनुका, दूसरा बनू नजीर, तीसरा बनू कुरैजा, ये तीन कबीले हैं जो यहूदियों के थे, मदीना में रह रहे थे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम मक्का से हिजरत करके कहां चले गए, मदीना आ गए। अब वहां थे तीनों रह रहे हैं वहां पर। अब वहां पर जाने के बाद में इनका मामला क्या था यहूद का, जब तक हुजूर नहीं आए थे ये मक्का, वहां जो मदीना में काफिर रहते थे ना उनसे कहते थे कि देखो आखिरी नबी आने वाले, इनकी किताब में तो सब लिखा था, हुजूर की सारी अलामतें लिखी थी, अपनी किताब पढ़ पढ़ के बताते थे कि आखिरी नबी आने वाले, उन आखिरी नबी पर हम ईमान लाएंगे और उनके साथ मिलके तुम्हें पीटेंगे, आने दो आखिरी नबी को। ये सारे मुशरिक, ये मुशरिकों से कहा करते थे यहूदी मदीना के। अब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम नबी बनकर के तशरीफ ले आए, बन गए नबी, लेकिन जब यहूद को पता लगा कि नबी बन गए, लेकिन फिर वही बात आपको अक्सर को याद होगी कि यहूदी क्या चाहते थे कि हमारी नस्ल में नबी आए आखिरी, लेकिन हुजूर आ गए हजरत इस्माइल की औलाद में, तो सिर्फ इस वजह से यहूदियों ने हुजूर को नबी मानने से इनकार कर दिया कि ये दूसरे खानदान के हैं, हम नहीं मानते, बिरादरी नहीं है अपनी। वही मसला आ गया कि दूसरे खानदान के। अल्लाह रहम करे, बात थोड़ी सी सख्त है लेकिन क्या करूं, हालात के एतबार से कहना पड़ता है। आजकल कुछ मस्जिद के मुतवल्ली भी उसी जहनियत के हैं, उसी जहनियत के। इमाम अपनी बिरादरी का होगा, जो मुतवल्ली की बिरादरी है इमाम उसी बिरादरी का चाहिए। जब इमाम इंटरव्यू देने जाता है ना तो उससे पूछते तेरी बिरादरी क्या है। एक ने मेरे से कहा, मुफ्ती साहब मैं जा रहा हूं वहां पर एक मस्जिद में इंटरव्यू देना है। अच्छा, इंटरव्यू भी अजीब होते, दाढ़ी मुंडा आदमी पैंट शर्ट पहने हुए और एक आलिम का इंटरव्यू ले रहा होता है कि कुरान सुनाइए आप। तो जब वो जाने लगा तो मैंने कहा कि भाई जब इंटरव्यू में जो कुछ पूछे बता देना, लेकिन अगर उसने बिरादरी पूछी
तो तुम ये कह देना कि भाई मेरी तो बिरादरी बाद की, लेकिन आप मुझे यहूदी बिरादरी से लग रहे हैं, आप मुझे यहूदी बिरादरी के लगते हैं। मैंने कहा ये जरा उससे कह देना। वजह क्या थी भाई? यही वजह है भाई, इमामत का इंतखाब किस बुनियाद के ऊपर होना चाहिए? ये बिरादरियों की बुनियाद पर। अल्लाह रहम करे, मस्जिदों का खेल तमाशा बना के रख दिया गया हमारे यहां पर कि इसी बिरादरी का इमाम चाहिए, दूसरा तो चल ही नहीं सकता। दूसरा चाहे इमाम बुखारी जैसी सिफात का लाके खड़ा कर दो, लेकिन दसियों गलती उसमें कि ये झुकता बहुत देर से, उठता बहुत देर से, उंगली इसकी टेढ़ी रह जाती और आंखें इसकी सीधी रह जाती, ऐसे ऐसे ऐप के आदमी सुन करके हैरान हो कि यार कहां से निकाल लें। एक मुतवल्ली ने मेरे से कहा कि इमाम साहब को हटा दिया हमने। मैंने वजह पूछी क्यों हटा दिया? बाइक बहुत तेज चलाते हैं। अब बताइए मैं उसे यहूदी कंपनी का ना कहूं तो किस कंपनी का कहूं? कह रहा बाइक बहुत तेज चलाते हैं, पूरे मोहल्ला परेशान है इनकी बाइक से। भाई बाइक तेज चलाए या हल्के चलाए, इमामत में तो गाड़ी से ही चला रहा हूं अभी। मतलब इमामों की स्पीड लिमिट भी तय होगी कि तुम्हें 10 से ऊपर स्पीड पे बाइक चलानी नहीं। ये हाल हमारे मुआशरे की जहनियत का होता जा रहा है। बहरहाल मैं अर्ज ये कर रहा कि इन्होंने हुजूर को मानने से क्यों इनकार किया कि दूसरे खानदान के आगे नहीं मानेंगे हम हुजूर को, इनकार कर बैठे सारे के सारे। अब दुश्मनी, हुजूर मदीना गए तो इनको तो मान लेना चाहिए था फौरन, लेकिन अब दुश्मनी शुरू हो गई। फिर अल्लाह का करना, मदीना जाने के दूसरे ही साल हुजूर का काफिरों से मुकाबला बदर में हुआ और बदर में अल्लाह ने मुसलमानों को फतह दे दी। जितने यहूदी थे ना मदीना में रहने वाले, इनके मुंह इतने से हो गए जैसे 3 दिन से खाना न मिला हो। ये क्या सोच रहे थे कि काफिर इन मुसलमानों को 313 है खत्म कर देंगे, नेस्तो नाबूद कर देंगे। लेकिन कहानी उल्टी हो गई सारी, यहूद का सारा प्लान चौपट हो गया और अल्लाह ने मुसलमानों को फतह दे दी। सब मुंह छोटे छोटे हो गए इनके, सब परेशान सारे के सारे यहूदी। बहुत दिक्कत हुई है इनको उस मौके के ऊपर। तो इन लोगों ने क्या किया, जलन में और हसद में मुसलमानों को तंग करना शुरू कर दिया, ताने देने लगे, कहने लगे उन गवारों से मुकाबला हुआ था आपका, उन पे जीत गए, लेकिन अगर कभी हमारे पल्ले पड़ गए ना तो फिर ये मत समझना कि हम इतनी जल्दी से हो जाएंगे, बस हम मजा चखा देंगे कि क्या होता। खैर अल्लाह के नबी कभी एकदम से मिजाज नहीं कि किसी ने जरा सा कहा और एकदम से उससे मुकाबला शुरू कर दिया, वो तो कहते ही रहते थे लोग ये ताने दे रहे हैं। फिर अल्लाह का करना ये कि एक मामला पेश आ गया, एक मुसलमान औरत बाजार में गई है, वहां यहूदियों का बाजार था, यही कबीला है कैनुका, कबीला बनू कैनुका, बाजार था इनका। उससे किसी यहूदी ने नामुनासिब हरकत कर दी, वहां एक मुसलमान सहाबी भी थे, उन्होंने वो हरकत देख ली, उनसे बर्दाश्त नहीं, उन्होंने तलवार से उस यहूदी को कत्ल कर दिया, यहूदियों ने उनको पकड़ के कत्ल कर दिया। अल्लाह के नबी को पता लगा, हुजूर अली सलाम ने कहा शुरुआत किसने की है, उन्होंने या हमने? उन्होंने की है ना, खातून को छेड़ा, परेशान किया। हुजूर ने फरमाया अब ये ताने भी दे रहे हैं, मुसलमानों को तंग भी कर रहे हैं और अब ये हरकतें कि खवातीन को परेशान करना शुरू कर दिया। हुजूर ने पूरे कबीला बनू कैनुका, अभी बाकी 3-2 को नहीं, सिर्फ बनू कैनुका, इनको घेर लिया चारों तरफ से। कबीला बनू कैनुका को वहां पे वो किया और घेराव करने के बाद में पहले तो इन्होंने मुकाबला किया, लेकिन फिर इन्हें लगा कि काम नहीं चलेगा। हुजूर ने फरमाया सारे एक एक आदमी तुम्हारा मदीना खाली कर दे, वरना खैरियत नहीं, सबको निकालो यहां से। जितने ये कबीला बनू कैनुका वाले थे, जितना ये खानदान था, अल्लाह के नबी ने एक एक को यहूदी को वहां से निकाल के बाहर कर दिया, मदीना से सब भगा दिया, सब बोरी बिस्तर लेकर के निकल गए। बेचारे आज भी होंगे उन्हीं के कुछ खानदान के, उन्हें पता होगा बड़ा धक्के दे दे के निकाला था हमें।
तो ये सबसे पहला मामला हुआ कबीला बनू कैनुका का, मदीना से बाहर आ गए। उसके बाद इनके निकलने के बाद में दो रह गए वहां पे, कौन कौन? कबीला बनू नजीर और कबीला बनू कुरैजा, ये दो रह गए। काम होता रहा, चलता रहा, जब ये सब निकले ना, वो दोनों डर गए कि बाबा अब चुपचाप रहो, अब अगर ये जबान खोली तो धक्के मार के हमारा नंबर आ जाएगा, सीधे चल रहे बिल्कुल। अल्लाह का करना, फिर हो गई जंगे उहद। जंगे उहद के अंदर मुसलमानों को जाहिरी तौर पर शिकस्त हो जाती है काफिरों से। अब ये यहूदी मुसलमानों के हारने से फिर सीने चौड़े हो गए, कह रहे हाँ देखो ये हुआ ना बढ़िया काम, और इनकी जुरत बढ़ गई और इनकी हिम्मत इतनी बड़ी इतनी बड़ी कि फिर इन्होंने हुजूर की नाऊज़ु बिल्ला कत्ल की कोशिशें शुरू कर दी। कत्ल की कोशिशें, अल्लाह के नबी किसी एक मसले की वजह से, वो एक जरूरत थी, उस जरूरत की मैं वजाहत नहीं कर रहा, वो लंबा किस्सा है। अल्लाह के नबी एक मसले की वजह से कबीला बनू नजीर में जाते हैं कुछ बातचीत करने के लिए, कोई मसला हो गया था उस पे बात करने हुजूर गए। कबीला बनू नजीर यहूदियों का कबीला है, उन्होंने कहा ठीक है आप यहां साए में बैठे, मकान के किनारे बता दिए यहां बैठे, हम अभी आ रहे हैं, आपने जो बात कही है पूरी कर देते। हुजूर को वहां बिठा के चले गए और जाने के बाद उन्होंने सबको बुला के जल्दी जल्दी इकट्ठा किया और एक मशवरा किया कि भाई ऊपर बहुत बड़े बड़े पत्थर ले जाओ छत पे, और छत से ले जाके हुजूर बिल्कुल दीवार से लग के बैठे, वहीं से पत्थर गिरा दो, यहीं खत्म हो जाएंगे। पत्थर चढ़ाने शुरू कर दिए मकान में, ये अभी पत्थर उठा ही रहे थे आसमान से जिब्राइल आ गए, हुजूर प्लानिंग ये चल रही वहां पीछे। हुजूर ने कहा अच्छा तुम चढ़ाओ पत्थर सारे, बेचारे जैसे भी लग बने पड़े सारे, एक के कंधे पे दूसरे के कंधे पे, वो उठा उठा के वहां ले जा रहे हैं। अल्लाह के नबी साहब को लेके वापस भी आ गए, वो छत पे चढ़ा के झांक रहे के कहां है, आ भी गए हुजूर। लेकिन इनकी ये हरकत सामने आ गई, नालायकी सामने आ गई। हुजूर ने मोहम्मद बिन मसलमा एक सहाबी है उनसे फरमाया जाके कह दो 10 दिन का वक्त है, 10 दिन के बाद अगर कोई नजर आया तो खत्म, भाग जाओ तुम सारे, अब निकलो, अब बनू नजीर का नंबर। अल्टीमेटम मिल गया 10 दिन का, अब ये भागे सारे। अच्छा भागने में अपने हथियार बहुत थे इनके पास हथियार, हुजूर ने कहा एक के भी सामान में हथियार नहीं होना चाहिए, सबकी चेकिंग होगी बॉर्डर पे, किसी के भी सामान में हथियार नहीं, हथियार सारे यहीं छोड़ के जाओ, कपड़े वपड़े ले जाओ जो नमकीन बिस्कुट रखे हो घरों में ये भर लो सब, लेकिन हथियार कोई नहीं जाएगा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हथियार पूरे वहीं रुकवाए और सबको अपने कपड़े जूते बिस्तर बंद के सबको भगा दिया। बनू नजीर भी आउट हो गए मदीना से, अब बचा कौन वहां पे? बनू कुरैज़ा। इन्होंने कहा यार केस बहुत ही खतरनाक चल रहा, सीधे सीधे रहो यहां पर, ये रह रहे हैं आराम से। लेकिन इन्होंने क्या किया, ये जो बनू नजीर भागे ना यहां से, इन्होंने भागने के बाद में गुल खिला दिया, इन्होंने जाके मक्का के काफिरों से गठबंधन कर लिया। मक्का के काफिरों से उन्होंने कहा तुम सारे मिल जाओ, हम मिल जाएं, सब मिलके इनका द एंड कर दें एक बार में। इन्होंने नाक में दम कर रखा, हुजूर और सहाबा पे सब मिलके हमला कर दें। उन्होंने कहा यार ये तो बहुत बढ़िया, उधर मक्का के काफिर, इधर ये यहूदी, ये सब मिल गए और मिलने के बाद सबने मिल करके हुजूर पे हमले के लिए फौजें रवाना कर दी। पता है फौज में कितने अफराद थे? 10,000 का लश्कर रवाना हुआ, 10,000 का। इतनी बड़ी फौज की रवानगी की इत्तला मिली हुजूर अलैहिस्सलाम को, यहां पर हुजूर ने फरमाया बस हालात एकदम से सख्त हो गए कि उधर से 10,000 की फौज आ रही है और यहां अभी कुछ तैयारी भी नहीं। दो कबीले तो यहूदियों के भाग चुके थे यहां से, कैनुका और बनू नजीर, एक रह गया था बनू कुरैज़ा। इन लोगों से क्या वादा था कि भाई तुम्हारे ऊपर परेशानी आएगी हम मदद करेंगे, हमारे ऊपर आए तुम मदद करना, ये वादा था।
अब इन्होंने देखा बनू कुरैजा वालों ने, इनके पास खबर आई मीडिया में कि वहां से कितने आ रहे हैं 10,000। इन्होंने कहा अब तो मुसलमान बचने ही नहीं, इन्होंने भी कह दिया कि हम भी उन्हीं के साथ हैं 10,000 के साथ, उधर से मिलके लड़ेंगे। हुजूर ने फरमाया ठीक है अभी तो निमटने तो तुमसे बाद में निपटेंगे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम, हालांकि इन्हें मुसलमानों की मदद करनी थी लेकिन इन्होंने आइन मौके पे गद्दारी की, कहा कि हम उधर से आने वाले लश्कर की मदद करेंगे, रह रहे थे मुसलमानों के साथ मदद उनकी। वो लश्कर आता है, अल्लाह के नबी ने खंदक खुदवाई है और खंदक खुदवा करके मदीना की हिफाजत फरमाई, उसी को कहा जाता है गज़वा खंदक। पूरे मदीना जिस तरफ से इनको आना था वहां पूरे गहरे गड़े खुदवा दिए गए थे ताकि ये मदीना में एंट्री ना कर सके, बहुत गहरी गहरी खंदकें। सहाबा ने खोद दी, इनका लश्कर आकर उधर रुक गया। अल्लाह ने फिर तेज हवाएं और आंधियां चला दी और फरिश्तों को भेज दिया, सबको नेस्तो नाबूद कर दिया और फिर ये सब जलील और रुस्वा होके वापस हुए। लेकिन इस केस के बाद फिर अब मसला आ गया किसका, बनू कुरैज़ा। हुज़ूर ने कहा वो तो चले गए, अब आ जाओ तुम जरा, तुमने क्यों हरकत दिखाई थी? अब ये भागे फिर रहे हैं कि अब हमारा क्या होगा, न उधर के रहे न इधर के, थाली के बैंगन बैंगन तो कटेगा ही। फिर अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ऐसे सख्त मौके पे वादा खिलाफी की तुमने और वादा तोड़ा और हमारे खिलाफ तुम खड़े हुए, अब तुम्हारी खैर नहीं। हुजूर अली सलाम ने इन लोगों ने की सिफारिश की, सहाबी हजरत साद है उन्होंने, लेकिन उनके कहने के ऊपर भी हुजूर ने फैसला फरमा दिया कि इनके तमाम मर्दों को कत्ल किया जाएगा, औरतों को बांदी बनाया जाएगा और माल को मुसलमानों में तकसीम कर दिया जाएगा। 700 आदमी इनके कत्ल किए गए, कितने 700 यहूदी बनू कुरैज़ा के कत्ल कर दिए गए, औरतों को बांदी बना के रख दिया गया और जितने इनके माल थे सब थोड़े थोड़े सबको ट्रांसफर कर दिए गए, सब खत्म। मदीना से यहूदियत का सफाया हो गया, कोई नहीं बचा ना यहूदी। बनू कैनुका जब जा चुके थे, अब कोई कहे जी भाई ये तो बहुत सख्त सजा दे दी, सख्त सजा कहां, वादा खिलाफी थी ना ये इतनी बड़ी, भाई 10,000 की फौज आ रही है और तुम अंदर से हमारी मुखालफत कर रहे हो और तुमसे वादा है कि हम तुम्हारी जान बचाएंगे तुम हमारी बचाओगे, तुमने ऐसे मौके के ऊपर भी अपने वादे का लिहाज नहीं किया, तो उसकी सजा अल्लाह के नबी ने इन्हें दी। पूरी गुस्सा खाए बैठे बेचारे, इन्हें तो सब पता क्या क्या हुआ हमारे साथ, हमारे पुरखों के साथ में, खुद मूर्ख बन रहे हैं उसके चक्कर में। तो सबका खात्मा मदीनतुल मुनव्वरा से हो गया। अब यहां से ये जो सारे के सारे भाग गए और यहां से निकल गए, निकलने के बाद में कहां पर गए हैं, ये एक जगह थी मदीना से दूर, बहुत दूर है खैबर, वहां जाकर के इन्होंने अपना ठिकाना बना दिया। वो जो गए थे कैनुका वाले और नजीर वाले वो भी सब वहीं पहुंच लिए, और भी जो कुछ इधर वाले बच गए होंगे इनके कुरैज़ा के वो भी बचे बचाए वहीं पहुंच लिए। इन्होंने अपना ठिकाना किस जगह को बनाया, खैबर को बना दिया। अब वहां पे सारे के सारे रह रहे हैं खैबर में, लेकिन जाहिर सी बात है यहूदियत है, ये सुकून से तो बैठी नहीं, वहां चालबाजियां शुरू कर दी इस्लाम के खिलाफ। अल्लाह के नबी ने सोचा कि इनकी चालें कामयाब होने से पहले अब खैबर पर अटैक कर दो ताकि ये जमा ना होने पाए इस्लाम के खिलाफ। हुजूर अलैहिस्सलाम हुदैबिया से वापस आए जहां उमरा करने गए थे और काफिरों ने रोक दिया था, और हुजूर वापस आ गए थे, वहां से वापस आने के एक महीने बाद अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम खैबर के लिए सहाबा की फौज लेकर रवाना हो गए। अब यहूदियों ने फिर झांक के देखा कि यहां भी आ गए सारे के सारे, चारों तरफ से खैबर में घेर रखा है। अब वहां इन्होंने बड़े बड़े किले बना लिए, किलों में रह रहे हैं। अब सारे किले बंद करके अंदर से लॉक कर लिए, अंदर पैक हो गए। अब एक एक किला फतह करते रहे मुसलमान, एक एक करते रहे, एक एक करते रहे। फिर वो मशहूर वाकया पेश आया जब आखिरी खैबर का किला रह गया था जिसको अल्लाह ने हजरत अली के हाथों से फतह कराया था।
खैबर के अंदर थे ये सारे। तो खैबर के अंदर जाकर के जब वो आखिरी किला फतह हो गया, अब यहूदियों ने देखा कि अब तो हम कहीं के नहीं बचने। उन्होंने कहा हजरत अब बैठ के जरा बात कर लेते हैं, अब कब तक ये हमारा तमाशा बनता रहे, बैठ के बात कर ले, अकल आ गई ठिकाने, क्या बात होनी है। कहने लगे हजरत आप मालिक हैं, चाहे आप रखें चाहे भगाएं, लेकिन दरखास्त है कि हम इस जगह से वाकिफ हैं, कोई और जगह है नहीं, आप रहने दें हमें यहां पर। हम क्या करेंगे, यहां बढ़िया खेती करेंगे, खैबर में जमीन बहुत अच्छी है, और जितनी खेती होगी उसका आधा हम रखेंगे, आधा आपके पास पहुंचाएंगे, आप लोग बैठ के आराम से खा लो। हुजूर ने फरमाया ठीक है सब करो, ही लगा दिया सबको खेती बाड़ी में, हल जोत रहे हैं सारे यहूदी। अब ये इधर लगे हुए हैं अपने काम में, और उधर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने अब बस ये कह दिया कि तुम सब काम करो और आधा अपने पास रखना आधा हमारे पास। हुजूर अलैहिस्सलाम की जिंदगी में यही मामला रहा। फिर उसके बाद जब हुजूर इस दुनिया से चले गए, हुजूर अलैहिस्सलाम, हजरत अबू बकर का दौर, हजरत उमर का दौर आया। हजरत उमर ने अपने जमाने के अंदर फरमाया कि भाई हुजूर ने तुम्हें यहां रखवा दिया था, लेकिन मैं तुम्हारा यहां रहना भी बर्दाश्त नहीं करता, तुम खैबर भी छोड़ो और यहां से भी बाहर चले जाओ। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला ने इन्हें खैबर से भी निकलवा दिया। इन्होंने बहुत कहा कि हुजूर हमें रख के गए थे, हुजूर रख के गए थे। हजरत उमर ने फरमाया हुजूर के सामने ये हरकतें थोड़ी, फिर ये मक्कारियां करने लगे थे, नालायकियां करने लगे थे। फरमाया अब मैं तुम्हें यहां से भी निकालता हूं। हजरत उमर ने वहां से भी धक्के दे के निकाल दिया। तो ये है जो ये पुराना मामला चला आ रहा है, ये यहूदियत की तारीख है इस्लाम के साथ। इसको कुरान ने कहा कि इतनी ज्यादा दुश्मनी जितनी इनके दिलों में इतनी किसी को नहीं है, इसलिए इनसे तुम्हें अपने आप को बचा के रखना है। आ गई है नहीं समझ में यहूदियत की तारीख, ये है बुनियाद इनकी हुजूर अलैहिस्सलाम के जमाने में। उसके बाद की तारीख है वो इंशाल्लाह आगे आएगी। आज मैंने ये आपके सामने हुजूर की जिंदगी के बारे में बताया कि उस दौर के अंदर इनका इस्लाम के साथ में क्या रवैया रहा। तो ये बातें आपके सामने आ गई हैं, और अल्लाह के फजल व करम से इससे आज के ये दोनों हमारे जो टॉपिक थे, उनवान थे, ये वाजे हो गए होंगे। पहली बात भी आपके सामने बता दी कि मस्जिद अक्सा की तारीख क्या है, उसकी भी पूरी वजाहत हो गई है इंशाल्लाह, और फतह कब कब कैसे कैसे हुई है वो भी आ गया। और दूसरी ये कि यहूदियत का ताल्लुक इस्लाम के साथ हुजूर के दौर में कैसा रहा है और किस तरह से इनके साथ में मामलात हुए, वो भी आपके सामने आए हैं। अल्लाह से दुआ फरमाए कि अल्लाह खुद मुझको भी आप हजरात को भी सुन्नत और इस्लाम से सही माना में इश्क और मोहब्बत अता फरमाए, और हम सब के अकाइद की और मसलक की और तमाम जगहों की अल्लाह मुकम्मल तौर पर हिफाजत फरमाए। बाकी आगे की भी अभी बातें अल्लाह ने चाहा वो भी किसी दिन मजलिस उसकी तय कर दी जाएगी, जैसे इसकी इत्तला हुई उसकी भी कर दी जाएगी। अगली किस्त में इंशाअल्लाह आगे की बातें आएंगी। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।